अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पाना है? ओए ऐसे नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। तू एक फाइटर है थॉय, और फाइटर कभी हार नहीं मानता। तीन टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर बस हो गया, बॉक्सिंग खत्म। बस क्या था? दिखा तुझमें कितनी रेसलिंग बाकी है। ये मैच अब इंडिया और पाकिस्तान का नहीं है, संदीप वर्सेस पाकिस्तान है। सुल्तान 2 फिल्म की शूटिंग कब से शुरू होने की संभावना है? सुल्तान ने पहले दिन कितने करोड़ रुपए की कमाई की थी? सुल्तान 2 की स्क्रिप्टिंग कौन कर रहा है? सिल्वेस्टर स्टेलोन सुल्तान फिल्म क्यों नहीं कर पाए? सलमान के लंगोट लुक की आमिर खान की पत्नी किरण राव ने खूब तारीफ की, तो आमिर खान ने क्या रिएक्शन दिया था? सुल्तान 2 को अभी से 1500 करोड़ फिल्म क्यों कहा जा रहा है? आपका स्वागत है बॉलीग्राज के गलियारे में। सुल्तान भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन अली अब्बास जफर ने तथा निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है। इसमें मुख्य किरदार में सलमान खान ने सुल्तान अली खान का किरदार निभाया और अनुष्का शर्मा ने अरफा अली खान का, रणदीप हुड्डा ने फतेह सिंह यानी कि सुल्तान का कोच, अमित साध ने आकाश का जो कि सुल्तान का प्रस्तुत करता था। सलमान की फिल्म सुल्तान रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ कमाई के रिकॉर्ड बनाए थे। रिलीज के पहले दिन ही 40 करोड़ की कमाई कर सुल्तान ने कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिए थे। अब सुल्तान के फैंस के लिए एक और खुशखबरी ये है कि इस फिल्म के सीक्वल की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सुल्तान के सीक्वल की चर्चा को लेकर खबरें आ रही हैं कि आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को मिले रिस्पांस को देखते हुए सुल्तान का सीक्वल बनाने का मन बना लिया है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो आदित्य चोपड़ा ने सुल्तान के डायरेक्टर अली अब्बास जफर को सुल्तान 2 की स्क्रिप्टिंग करने की बात भी कही है। यही नहीं, ये भी चर्चा है कि आदित्य चोपड़ा ने सलमान खान को सुल्तान 2 का ऑफर दिया है जिस पर सलमान ने हामी भी भर दी है। सलमान को एक बार फिर सुल्तान के अंदाज में देखने के लिए फैंस दिल थाम के इंतजार करेंगे। सलमान की फिल्म सुल्तान ने रिलीज होते ही धमाका कर दिया था। जी हाँ, दबंग खान ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वो ही बॉलीवुड के असली सुल्तान हैं। फिल्म को न केवल क्रिटिक्स की तरफ से सराहा गया था बल्कि लोगों का भी खूब प्यार मिला था। ज्यादातर सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स हाउसफुल जा रहे थे। रिलीज होते ही सलमान खान और अनुष्का शर्मा की सुल्तान ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े जो बेहद मुश्किल थे। आइए नजर डालते हैं उन रिकॉर्ड्स पर जो अब सलमान खान की सुल्तान के नाम पर हैं। सलमान खान की सबसे बड़ी ईद ओपनर फिल्म सलमान खान की सुल्तान ने पहले ही दिन अपनी सारी ईद रिलीज फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सलमान खान की फिल्में अक्सर ईद पर रिलीज होती हैं। अब तक एक था टाइगर सलमान खान की सबसे बड़ी ईद ओपनर फिल्म थी, लेकिन अब ये टाइटल सुल्तान के नाम हो गया है। साल 2016 की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म सुल्तान 40 करोड़ की कमाई के साथ साल की सबसे ज्यादा फर्स्ट डे कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई थी। ये खिताब अभी तक शाहरुख खान की फिल्म फैन के पास था, जिसे पछाड़ते हुए सलमान की सुल्तान बहुत आगे निकल गई थी। ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली स्पोर्ट्स फिल्म, स्पोर्ट्स फिल्मों को हमेशा से बॉलीवुड में पसंद किया गया है जो सुपरहिट भी हुई है, लेकिन सलमान ने पहली बार एक स्पोर्ट्स फिल्म की और सबको एक झटके में पछाड़ दिया। 40 करोड़ के फर्स्ट डे कलेक्शन के साथ सुल्तान ने चक दे इंडिया, मैरी कॉम, भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों को पीछे कर दिया था। एडवांस बुकिंग में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सलमान खान की सुल्तान ने रिलीज के पहले ही एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में खूब कमाई की। सुल्तान ने एडवांस बुकिंग में 18 करोड़ की कमाई की थी
जो कि बाकी फिल्मों से कई ज्यादा था। बुधवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। बुधवार को बहुत कम ही फिल्में रिलीज होती हैं। सुल्तान के पहले सलमान की फिल्म एक था टाइगर भी बुधवार को रिलीज हुई थी, जिसको पहले दिन की कमाई करीब 33 करोड़ रुपए थी। लेकिन सुल्तान फिल्म ने इस खिताब को भी अपने नाम कर लिया। ये सारे रिकॉर्ड सुल्तान ने पहले दिन बनाए। जून 2015 में सलमान को लेकर यशराज फिल्म्स ने सुल्तान बनाने की घोषणा की थी। 6 जुलाई 2016 को फिल्म रिलीज की गई थी। पहलवान बने सलमान को जब पहली बार लंगोट पहनकर शूटिंग करनी पड़ी तो उनके छक्के छूट गए। पूरी यूनिट के सामने लंगोट पहनकर अभिनय करने में उन्हें शर्म महसूस हो रही थी और ये सिलसिला हमेशा चला। सलमान का कहना है कि वे लगभग रो ही पड़े थे। इससे उन्हें उन अभिनेत्रियों का दर्द महसूस हुआ जो सबके सामने बिकनी पहनकर शॉट देती हैं। सलमान के लंगोट लुक की आमिर खान की पत्नी किरण राव ने खूब तारीफ की। खिसियाए हुए आमिर खान को कहना पड़ा कि सलमान खान कपड़ों के बिना और भी हैंडसम लगते हैं। सुल्तान की जब शूटिंग चल रही थी तो मुंबई स्थित सेट पर उनसे मिलने शाहरुख खान भी पहुंचे। इस मुलाकात को शूट किया गया ताकि बिहाइंड द सीन में ये फुटेज उपयोग किया जा सके। अब कहा जा रहा है कि इस शॉट को फिल्म में उपयोग किया गया है। कहानी में ट्विस्ट ये डाला गया था कि फिल्म में पहलवान बने सलमान एक सेलिब्रिटी से मुलाकात करते हैं और उन्हें शाहरुख से मिलते दिखाया गया था, पर जब फिल्म रिलीज की गई तो ये सारे सीन नहीं थे। सलमान ने इतनी मेहनत पहले किसी रोल के लिए नहीं की। इस फिल्म में वह पहलवान बने थे, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को पहलवान के अनुरूप बनाया और वे वजन बढ़ाकर 95 किलोग्राम तक ले गए थे। रोजाना 4 घंटे की ट्रेनिंग सेशन उनका होता था, जिसे वह लर्नर स्टोवल और उनकी टीम के साथ करते थे। ये सलमान खान के लॉस एंजलिस से आए थे और सलमान को कुश्ती और मिक्स्ड मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग उन्होंने दी। सलमान का कहना है कि ट्रेनिंग बहुत कड़ी होती थी, जिसकी वजह से घुटनों, पीठ, पैरों और कंधों में दर्द होता रहता था। कई बार तो वे सोचते थे कि सुल्तान उन्हें क्यों साइन कर ली, पर वे हार मानने वालों में से नहीं थे, इसीलिए पसीना बहाकर चुनौती का सामना उन्होंने किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वे इतने थक जाते थे कि ठीक से चल नहीं पाते थे। उनकी हालत बलात्कार पीड़ित महिला जैसी हो गई थी। उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई और उनके पिता सलीम खान ने हमेशा की तरह बात संभाली। सलमान को अपनी हेयर स्टाइल बदलना पसंद नहीं है, लेकिन इस फिल्म के लिए विशेष रूप से उन्होंने अपने बाल छोटे करवाए। सुल्तान में सलमान के कोच का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। इस रोल के लिए पहले सिल्वेस्टर स्टेलोन के नाम पर विचार किया गया, फिर संजय दत्त के बारे में सोचा गया। अंततः ये भूमिका रणदीप हुड्डा ने निभाई। रणदीप हुड्डा ने शूटिंग के दौरान सलमान खान को कुश्ती लड़ने की खास तकनीक बताई। रणदीप एक फिल्म के लिए पहले मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले चुके हैं और ये जानकारी उन्होंने सुपरस्टार से साझा की, जो सल्लू के बेहद काम आई। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कई दिनों बाद तक हीरोइन फाइनल नहीं हुई थी। दीपिका पादुकोण, परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, कीर्ति सेनन के नामों की भी चर्चा हुई थी। आखिरकार यशराज की पसंदीदा हीरोइन अनुष्का शर्मा को चुन लिया गया था। अनुष्का शर्मा और सलमान खान पहली बार किसी फिल्म में साथ काम किए थे। सुल्तान के साथ फिल्म करते हुए अनुष्का उन अभिनेत्रियों में शामिल हो गई कि जिन्होंने तीनों खान सुपरस्टार के साथ फिल्म की है। वे शाहरुख खान के साथ जब तक है जान और रब ने बना दी जोड़ी तथा आमिर खान के साथ पीके कर चुकी हैं। सुल्तान में MMA फाइटर टायरन बुडले भी नजर आए थे। वे सलमान खान के साथ फिल्म में फाइट करते हुए दिखाई गए थे। सलमान ने बताया कि सुल्तान में ज्यादातर फाइट रियल बिना केबल्स के और सचमुच के पहलवानों के साथ थे। फाइट सीन में जब सलमान ने सचमुच के पहलवानों को देखा तो हैरान रह गए थे। कहा जाता है कि सलमान के सुल्तान में पहलवान बनने से आमिर खान चिंतित हो गए थे, क्योंकि वे भी दंगल में पहलवान बने हैं। दोनों फिल्में और सुल्तान से तुलना ने आमिर को परेशान कर दिया था। आमिर चाहते थे कि दंगल पहले रिलीज हो, लेकिन बाद में शुरू हुई सुल्तान न केवल पहले बन गई बल्कि पहले रिलीज भी हुई है। रिलीज के पहले सुल्तान देखने के बाद सलमान के पिता सलीम खान ने निर्देशक अली अब्बास जफर को कहा कि इस स्क्रिप्ट से बेहतर उनका निर्देशन है। सुल्तान में अनुष्का शर्मा भी पहलवान बनी थी। इस फिल्म के पहले वह कुश्ती के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखती। फिल्म साइन करने के बाद उन्होंने इस खेल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई ताकि अपने चरित्र को वे ठीक से निभा सकें। सुल्तान के पहले पोस्टर को देख जहां उनके फैंस निहाल हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इसकी खिल्ली उड़ाई। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कमेंट भी किए गए।
यदि पोस्टर को आप गौर से देखें तो सलमान की गर्दन नजर ही नहीं आ रही थी। एक व्यक्ति ने लिख डाला कि सलमान में दिमाग नहीं है, कि ये तो मालूम था लेकिन गर्दन भी नहीं है। पहली बार पता चला कुछ लोगों को इसमें फोटोशॉप की हरकत नजर आई। उनके मुताबिक बॉडी किसी और की और चेहरा सलमान का है, इस कारण गर्दन नहीं नजर आ रही है। निर्देशक अली अब्बास जफर का कहना था कि कमेंट्स पढ़कर उनको भी हंसी आ गई, लेकिन फोटोशॉप की बात गलत है। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार। सुल्तान अली खान यानी कि सलमान खान एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबरा यानी कि अमित शाह एक प्रोटेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वो इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वो सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को अरफा यानी कि अनुष्का शर्मा से प्यार हो जाता है, लेकिन अरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही अरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर पर पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद अरफा माँ बनने वाली होती है और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वो एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून ओ प्लस होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण अरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। उसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसे जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वो लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बिढंगा और मोटा हो जाता है। इस कारण वो उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हुड्डा के पास छोड़ देता है, जहां वो कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और अरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद अरफा एक बच्ची को जन्म देती है। कुछ इसी प्रकार कहानी है सुल्तान की। सुल्तान 2 की कहानी यहीं से शुरू होगी और इस बार कैटरीना कैफ इस फिल्म से जुड़ जाएंगी। सलमान के स्टारडम के कारण इस फिल्म को 1500 करोड़ की फिल्म कहा जा रहा है। 2021 तक इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन सलमान खान अभी तो बहुत बिजी चल रहे हैं और आजकल भारत फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और इसके बाद दबंग 3 की शूटिंग करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सलमान खान सुल्तान 2 की शूटिंग कब शुरू करते हैं। दोस्तों हमें कमेंट करके ये बताइए कि क्या सुल्तान 2 बनना चाहिए या नहीं। सलमान खान आज एक अभिनेता है, सुपरस्टार है और अपने आप में एक ब्रांड है। सलमान खान को देखकर लोगों को लगता है ये सब बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कोई भी इंसान आसानी से इतना सफल नहीं हो सकता। उसके व्यक्तित्व में कोई न कोई ऐसा गुण होना चाहिए जो उसको उस मुकाम पर पहुंचा सके। आज आपको सलमान खान के जीवन के कुछ ऐसे ही पहलुओं एवं गुणों से मैं अवगत कराऊंगा। आज 27 दिसंबर को सलमान खान अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर उनकी जिंदगी के कुछ पहलुओं पर एक नजर। पूरा नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान, जन्म 27 दिसंबर 1965 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। पहली फिल्म 1988 में बीवी हो तो ऐसी,
बतौर सह अभिनेता, बतौर हीरो वाली पहली फिल्म 1989 मैंने प्यार किया, पसंदीदा हीरो धर्मेंद्र, सिल्वेस्टर स्टेलोन, पसंदीदा हीरोइन हेमा मालिनी, खास किस्से सलमान खान और शाहरुख खान में पहले बेहद पटती थी। एक बार कैटरीना कैफ के जन्मदिन की पार्टी में दोनों में झगड़ा हो गया। कुछ वर्ष बाद एक पार्टी में सलमान ने पहल करते हुए शाहरुख खान को गले लगा लिया। इसके बाद से दोनों ने कड़वी बातों को भुला दिया है। सलमान खान की पहली फिल्म मैंने प्यार किया की सफलता का मेकर्स को भरोसा नहीं था। बहुत कम प्रिंट्स के साथ इसे कुछ जगह रिलीज किया गया। बाद में भारी कामयाबी के कारण फिल्म के प्रिंट्स की संख्या बढ़ाई गई। टर्निंग प्वाइंट, कुछ वर्ष पहले सलमान ने बहुत शराब पीना शुरू कर दिया था। एक दिन जब आईने में उन्हें अपना चेहरा भयानक लगा, इसके बाद उन्होंने शराब पीना कम कर दिया। और भी परेशानियां, सलमान पर दो बार फतवा जारी हो चुका है। पहली बार मैडम तुसाद म्यूजियम में मूर्ति लगाने पर, दूसरी बार गणेश पूजा करने पर। सलमान खान को ट्राइजेमिनल न्यूरलजिया नामक बीमारी है। इसमें चेहरे की नसों में बहुत दर्द होता है। लकी चार्म, पिछले कई सालों से वे एक ब्रेसलेट पहन रहे हैं जिसमें फिरोजा स्टोन लगा है। वो मानते हैं कि ये उनके लिए लकी है। शौक, अभिनय के अलावा सलमान खान लेखक भी हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों की कहानी लिखी है। वे पेंटिंग्स बनाना भी पसंद करते हैं। कार और मोटर बाइक रखना, जैसे कि BMW M5, BMW X6, Audi, Range Rover, Lexus LX 470 जैसी कई महंगी कारें उनके कलेक्शन में हैं। 1990 में मिला था पहली फिल्म के लिए बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड। 2004 में पीपुल मैगजीन ने बताया बेस्ट लुकिंग इंडियन। 2005 मुझसे शादी करोगी और नो एंट्री की सफलता ने दिया करियर को पुनर्जीवन। 2006 की 10 अप्रैल को चिंकारा शिकार मामले में 5 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी। 2018 में 5 अप्रैल को जोधपुर की अदालत ने काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिया। सेट बैक इन लाइफ, राजस्थान में चिंकारा को मारने का मामला अदालत में अभी भी चल रहा है। एक समय उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हुई, फिर पार्टनर और वांटेड ने उबारा। 2002 में उनकी कार ने रात में फुटपाथ पर सोए हुए 4 व्यक्तियों को कुचल दिया था, जिसे लेकर हिट एंड रन का केस चला। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती, समस्याएं होती हैं तो समाधान भी होते। ऐसे में हताश होने से बेहतर है अपने विवेक द्वारा समस्या को सुलझाने के रास्ते तलाशना। समस्याओं को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। देखा जाए तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो समस्याओं से दो चार ना हो रहा हो, लेकिन सकारात्मक दृष्टि हो तो आप कह सकते हैं कि समस्याएं दरअसल उन मसालों की तरह हैं जो जिंदगी का स्वाद बढ़ा देती, जूझने के लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास का संचार करती। वक्त को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन वक्त की कसौटी पर कसकर कुछ लोग बदलते हुए देखे। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान उन्हीं लोगों में आते हैं। सलमान खान की मैंने प्यार किया फिल्म सुपरहिट हुई थी और सलमान खान बहुत खुश थे, लेकिन कुछ समय के बाद भाग्यश्री ने शादी कर ली। उसके बाद सलमान खान को कोई फिल्मकार कास्ट करने को तैयार नहीं था। सलमान खान को लगने लगा था कि उनका फिल्मी करियर समाप्त हो गया है, पर सलमान खान ने आत्मविश्वास नहीं छोड़ा। फिर उनके पिता सलीम खान ने रास्ता दिखाया और सलमान खान उसके बाद बहुत सी हिट फिल्में बॉलीवुड को दी। सलमान खान का मानना है, समस्याओं से भागो मत, सामना करो, फिर पूरी जिंदगी चैंपियन की तरह जियो। सलमान खान आज भी एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिनमें भयानक दर्द होता है, जिसे ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया बीमारी कहा जाता है। चेहरे की कोशिकाओं में दर्द होता है, दर्द पूरे जबड़े और चेहरे पर फैल जाता है। सलमान खान के लिए स्टारडम की चमक धमक से ज्यादा अहमियत चैरिटी रखती है। 3 स्कूलों का खर्च सलमान खान उठाते हैं। जरूरतमंदों के लिए सलमान खान अभी तक 47 करोड़ रुपए दे चुके हैं। चलते फिरते लोगों की मदद करते रहते हैं। फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग के लिए जब कश्मीर गए थे, तब जाइना बेगम का दुखड़ा उनसे सुना नहीं गया। जाइना की झोली खाली नहीं जाने दी, परिवार की मदद की और उनके पोते की नौकरी लगवाई। सलमान खान ने हार नहीं मानी और लड़ते रहे।
वोल्टेयर ने कहा था कि जीवन जो ताश के पत्ते देता है उन्हें हर खिलाड़ी को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन जब पत्ते हाथ में आ जाए तब खिलाड़ी को तय करना होता है कि वो कैसे खेले ताकि बाजी जीत सके। यहाँ ताश के पत्ते जिंदगी में आने वाली मुसीबत, कठिनाइयाँ व समस्याएं हैं। कुछ लोग पत्ते हाथ में आते ही आत्मसमर्पण कर देते हैं, जबकि कुछ लोग कमजोर पत्तों के बावजूद हारी बाजी को जीत में बदल देते हैं। खेल अगर पत्तों पर निर्भर करता है तो खिलाड़ी पर भी निर्भर करता है। इसी तरह से सलमान खान ने हारी बाजी को जीत में बदल दिया और आज की तारीख में सलमान खान सभी के चहेते बन गए। सलमान खान एक छोटे से घर में रहते हैं, क्योंकि सलमान खान के माता पिता उस घर को नहीं छोड़ना चाहते और सलमान खान अपने माता पिता को। जिस दौर में खून के रिश्तों की डोर कमजोर है, उसी दौर में सलमान खान रिश्तों की मिसाल देते हुए नजर आते हैं। यही सब कारण है कि सलमान खान एक ब्रांड है। उन्हें पता है कि समस्याओं से भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। हारा वही जो लड़ा नहीं। टू इयर्स सलमान खान की 300 करोड़ फिल्म एकदम खिड़की तोड़ कमाई, विदेशों में भी बेस्ट फिल्म। सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म रेस 3 को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में। रेस 3 भले ही बॉक्स ऑफिस पर पिद्दी साबित हुई हो, लेकिन उनकी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को 2 साल हो गए हैं। ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि 2016 में रिलीज हुई सुल्तान है। सुल्तान सलमान खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। 2016 के बॉक्स ऑफिस पर सारे आंकड़े चकनाचूर करने वाली ये फिल्म सलमान खान की सबसे शानदार फिल्म बताई जाती है। अली अब्बास, जफर और सलमान खान की जोड़ी इस फिल्म के लिए वरदान साबित हुई। ये फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। सुल्तान को जितनी सफलता भारत में मिली उतना ही ये फिल्म विदेशों में पसंद की गई। चीन में 20वें शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सुल्तान को बेस्ट एक्शन मूवी का अवार्ड मिला था। सुल्तान में सलमान खान की जी तोड़ मेहनत स्क्रीन पर साफ नजर आ रही थी। वहीं इस फिल्म की कई सारी बातों के अलावा सलमान और अनुष्का की शानदार केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया। स्पोर्ट्स और रोमांस के जबरदस्त कॉम्बिनेशन ने इस 2016 की बेस्ट फिल्म बना डाला। सुल्तान ने सिर्फ भारत में ही 300 करोड़ कमाए, वहीं दुनिया भर में इसकी कमाई किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इस एक फिल्म से सलमान के इतने रिकॉर्ड कायम किए जो शायद ही अपने पूरे करियर में किए होंगे। आज हम आपको सलमान के कुछ बेस्ट रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे। लगातार 29 एवरेज फ्लॉप फिल्में देने वाले एक्टर, ऐसा नहीं है सलमान खान ने अपने करियर में फ्लॉप फिल्में ना दी। 2000 के दशक में उन्होंने फ्लॉप फिल्मों की बाढ़ लगाई है, लेकिन इन सब के बीच कुछ उपलब्धियों को नहीं ठुकराया जा सकता। इनमें मैरी गोल्ड, सलामे इश्क, मैं और मिसेज खन्ना, जाने मन जैसी फिल्में शामिल हैं। 500 करोड़ की तैयारी, जी हाँ, दबंग के बाद से सलमान खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। इसके बाद तो सलमान खान बस आगे बढ़ते गए। 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ और अब 500 करोड़ की तैयारी में है भारत। शायद उनका रिकॉर्ड बदलेगी। सलमान खान हमेशा से सुपरस्टार रहे हैं और बॉक्स ऑफिस के किंग भी। इसका कारण है 10 ऑल टाइम रिकॉर्ड जो केवल सलमान खान के पास है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये रिकॉर्ड सलमान खान के पास केवल 72 फिल्मों में है। सबसे ज्यादा 100 करोड़ क्लब में शामिल फिल्में, सलमान खान ने सबसे ज्यादा 100 करोड़ फिल्में दी हैं। हालांकि अक्षय कुमार की स्पीड को देखकर लगता है सलमान खान का ये रिकॉर्ड जल्द ही अक्षय कुमार तोड़ देंगे। सबसे ज्यादा 200 करोड़ की फिल्में, एक तरफ जहां आमिर खान क्लब की शुरुआत करते हैं वहीं सलमान खान इस क्लब में फिल्मों की संख्या बढ़ाते जाते हैं। सबसे ज्यादा 150 करोड़ की फिल्में, 100 करोड़, 150 करोड़ की फिल्में अब सलमान के लिए मजाक जैसी हो गई हैं। वो कुछ भी नहीं करेंगे तो भी फिल्में इतना कमा ही लेंगी। 13 ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, जिनमें से सुल्तान, बजरंगी भाईजान, दबंग, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। दूसरी सबसे ज्यादा कमाई, 72 फिल्मों में काम करने के बाद सलमान खान करीब 2900 करोड़ के स्टार है। हालांकि अभी भी वो अक्षय कुमार के 3000 करोड़ के क्लब से काफी पीछे हैं। सलमान खान की हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करती है और यही कारण है कि उनका एवरेज बेहतरीन है। दूसरा सबसे बड़ा हफ्ता, वहीं सलमान खान दूसरा सबसे बड़ा हफ्ता भी बॉलीवुड को दे चुके हैं, लगभग 208 करोड़ का।
हेलो दोस्तों, मैं अवध और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज के एक और नए वीडियो में। जी हां दोस्तों, सुल्तान सलमान खान से क्लैश करेंगे ये सुपरस्टार, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा दंगल। सलमान खान की फिल्म सुल्तान 31 अगस्त को चीन में रिलीज होने वाली है। बजरंगी भाईजान के बाद ये चीन में सलमान खान की दूसरी फिल्म होगी, लिहाजा फिल्म से अच्छे बिजनेस की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन बता दें, इसी दिन चीन में हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल भी रिलीज होगी। कोई शक नहीं कि चीन बॉक्स ऑफिस पर ये टक्कर काफी धमाकेदार होने वाली है। लेकिन सुल्तान भाई दिमाग में नहीं, दिल में आते हैं। बॉक्स ऑफिस पर कुछ भी हो, लेकिन उन्हें दिलों पर राज करना बखूबी आता है। तो दोस्तों, इस धमाके की रोशनी कितनी बड़ी होगी ये तो कलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस। चीन में दूसरे दिन सलमान खान का ऐसा लगा दांव। आपका स्वागत करते हैं बॉलीग्राड के गलियारे में। बॉक्स ऑफिस के सुल्तान सलमान खान भारत में तो अपना दमखम साबित कर देते, लेकिन चीन के बॉक्स ऑफिस पर अब तक वो रुतबा हासिल नहीं कर सके। इस बार वहां रिलीज हुई सलमान खान की सुल्तान ने 2 दिन में 14.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी सलमान खान की फिल्म सुल्तान इस शुक्रवार 31 अगस्त को चीन में रिलीज हो गई। फिल्म ने दूसरे दिन 1.09 मिलियन डॉलर यानी 7.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म ने पहले दिन 9.40 लाख यानी कि 6.68 करोड़ रुपए का मामूली कलेक्शन किया था। फिल्म को चीन से 2 दिन में 2.03 मिलियन डॉलर यानी 10.38 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। लेकिन ये सलमान खान के स्टैंडर्ड का परफॉर्मेंस नहीं है। चीन में सुल्तान को 11,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और प्रतिदिन करीब 40,000 शोज होंगे। सलमान की ये दूसरी फिल्म है जो चीन में रिलीज हुई है। इससे पहले सलमान की बजरंगी भाईजान वहां रिलीज हुई थी। फिल्म इस साल 2 मार्च को चीन में 1700 स्क्रीन पर रिलीज हुई। गलती से भारत चली आई पाकिस्तान स्पेशल चाइल्ड मुन्नी को उसके घर पहुंचाने वाले बजरंगी की कहानी पर बनी कबीर खान निर्देशित इस फिल्म में चीन में 2.25 मिलियन डॉलर यानी 14.61 करोड़ रुपए से ओपनिंग ली और दूसरे दिन 3.11 मिलियन डॉलर यानी 20.36 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। चीन के बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान से मुकाबला तो दूर, सलमान की सुल्तान उनकी फिल्मों के पास तक भी नहीं पहुंची है। आमिर की दंगल फिल्म चीन के बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 2.27 मिलियन डॉलर यानी 14.67 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दंगल को दूसरे दिन 4.69 मिलियन डॉलर यानी 30.30 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार ने पहले दिन 6.79 मिलियन डॉलर यानी 43.35 करोड़ रुपए बटोरे, दूसरे दिन 10.49 मिलियन डॉलर यानी 66.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान देसी से विदेशी रेसलिंग के खिलाड़ी बने थे, जो एक बार तो हौसला पस्त हो जाता है और लेकिन उसकी पत्नी उसे मोटिवेट करती है। फिल्म में अनुष्का शर्मा ने सलमान खान की पत्नी का रोल निभाया था। यशराज फिल्म्स की सुल्तान 6 जुलाई 2016 को रिलीज हुई थी। ये सुल्तान अली खान नाम के हरियाणा के एक पहलवान की कहानी थी। फिल्म में अनुष्का शर्मा ने अरफा हुसैन का रोल अदा किया था, जो खुद एक स्टेट लेवल रेसलर थी। फिल्म में रणदीप हुड्डा, अमित शाह और अनंत विदार शर्मा ने भी काम किया था। भारत में 36.54 करोड़ रुपए से ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म ने 300.45 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि सलमान खान की फिल्म भारत की तरह क्या चीन में भी धमाल मचाती रहेगी।
सलमान खान की फिल्म शेर खां को 1200 करोड़ी फिल्म क्यों कहा जा रहा है? क्या फिल्म में दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा नजर आएंगी या नहीं? क्या सच में इस फिल्म में सुहेल खान का कोई कैमियो रोल हो सकता है या नहीं? सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म शेर खां का बजट कितना हो सकता है? क्या इस फिल्म से कपिल शर्मा फिर से सुर्खियों में आ जाएंगे या नहीं? हेलो दोस्तों, मैं वही आपका अपना दोस्त अंकित स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। कहते हैं कि जो खैरात में मिलती है कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता है, और फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। लेकिन दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं, उसे कोई खैरात में कामयाबी नहीं मिली, उसने खुद को लाजवाब बनाया है। मैं आज जिनके बारे में बात कर रहा हूं या जिनकी फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूं, लोग उन्हें बॉलीवुड के भगवान मानते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि बॉलीवुड में आधे से ज्यादा लोग सिर्फ उनकी बदौलत चल रहे हैं। कहते हैं कि वो यारों के यार हैं और दुश्मनी उनसे अच्छा कोई और निभा नहीं सकता। जिससे भी एक बार दुश्मनी हो जाती है वो फिल्मी दुनिया से धीरे धीरे गायब हो जाता है, और उनके इसी बात का मैं खुद भी कायल हूँ। लोगों ने तो उन्हें बहुत से नाम दिए, पर बॉलीवुड ने उन्हें अपना भाईजान कहा, और इस भाईजान ने बॉलीवुड को भी बहुत से लोग दिए। चाहे वो सिंगर हो या फिर एक्टर, इनका तो एक ही उसूल है कि जिस पे दिल आ गया तो उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान के बारे में, और आज का टॉपिक है फिल्म शेर खां। सलमान खान एक ऐसे एक्टर है जिनकी लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उस उतार चढ़ाव से उन्होंने सीख लिया था कि वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा, जीवन एक कारवां है जो चलता ही जाएगा। एक वक्त आया जहां सलमान खान की एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हुई, पर सलमान खान ने हार नहीं मानी। उनके जीवन में जो सबसे प्रिय था वो तक छोड़ के चली गई, फिर भी वो चलते रहे। यहाँ तक कि लोग उन्हें चलना सिखाते थे कि यार ये कर वो कर तू कामयाब रहेगा, पर उन्होंने अपने दिल के अलावा किसी की बात नहीं सुनी, अपनी राह खुद बनाते गए। और आज एक ऐसा वक्त है जहां लोग उनसे पूछते हैं कि कैसे चलना है और क्या करना है इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए। सलमान खान की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर वर्ल्ड में है, जो उन्हें अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। जब उनकी कोई फिल्म अनाउंस होती है या कोई फिल्म रिलीज होती है तो लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैंस ही सलमान खान को पसंद करते हैं, बल्कि सलमान खान भी अपने फैंस के लिए जान की बाजी लगा देते हैं फिल्मों में। वो जानते हैं कि उनके फैंस उन्हें कैसे देखना चाहते हैं, और इसके लिए वो एक से बढ़कर एक स्टंट्स करने के लिए तैयार होते हैं। सलमान खान के पास फिल्मों की बहुत बड़ी लिस्ट है। सलमान खान अभी एक ऐसे पड़ाव पर है जहां लगातार आने वाले 3 साल तक उनके पास समय नहीं है किसी भी फिल्म के लिए। अभी फिलहाल वो भारत की शूटिंग कर रहे हैं, उसके बाद दबंग 3 और फिर किक 2, उसके बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह, उसके बाद एक और नाम जुड़ गया है इस लिस्ट में, वो नाम है फिल्म शेर खां। शेर खां एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं सलमान खान के भाई सुहेल खान। सुहेल खान के बारे में सभी जानते हैं कि वो क्या है और उन्होंने कितनी फिल्में की हैं, और ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। चाहे हम उनकी फिल्म देख ले कोई सी भी, चाहे वो फिल्म हो प्यार किया तो डरना क्या, या फिर हेलो ब्रदर, मैंने दिल तुझको दिया, फाइट क्लब, पार्टनर, रेडी, जय हो, हम कह सकते हैं कि सुहेल खान की फिल्में लीक में भी होती है और उनसे हटके भी होती हैं। सुहेल खान की फिल्मों ने प्यार के मायने बदल दिए, यहाँ तक कि दोस्ती क्या होती है उन्होंने ये चीज फिल्म फाइट क्लब में दिखा दिया। और अगर आप में से किसी ने भी ये फिल्म नहीं देखी तो जाइए और देखिए और सीखिए कि दोस्ती क्या होती है। सलमान खान की फिल्म शेर खां पर काम शुरू हो चुका है, और लीड रोल के तौर पर अभी सलमान खान और कपिल शर्मा का नाम सामने आ रहा है। कपिल शर्मा क्यों और वो भी सलमान खान के साथ, ये सवाल तो जरूर मन में आया होगा। तो दोस्तों, आपने एक शो तो जरूर देखा होगा, कॉमेडी सर्कस, जहां कपिल ने कॉमेडी की शुरुआत की थी और उस शो के जज थे सुहेल खान। सुहेल खान को कपिल का एक्ट बहुत अच्छा लगता था, और उन्होंने वहां कपिल को ये कह दिया था कि वो शेर खां में कपिल को कास्ट करेंगे। लगभग इस बात को 4-5 साल हो गए। सुहेल खान ने कपिल शर्मा से वादा किया था कि वो अपनी अगली आने वाली फिल्म शेर खां में उन्हें लेंगे, लेकिन काफी टाइम से शेर खां के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। ऐसा माना जा रहा था कि इस फिल्म का आइडिया सुहेल खान ने ड्रॉप कर दिया, लेकिन एक बार फिर से शेर खां फिल्म की चर्चा जोरों शोरों पर है। फिल्म रेस 3 के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ने अपनी फिल्मों से जुड़े कई खुलासे किए। इसी दौरान उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म भारत
दबंग 3, किक 2 और इसके अलावा शेर खां का भी जिक्र किया। अब जब फिल्म को लेकर सलमान खान ने इतना बड़ा खुलासा कर ही दिया है तो उम्मीद की जा सकती है कि इस फिल्म को लेकर कपिल भी जल्द कोई खुशखबरी सुन सकते हैं। कपिल जब से विवादों में फंसे उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि वो दुनिया से ही गायब हो गए हैं, लेकिन शायद आने वाले वक्त में क्या पता सलमान खान की वजह से फिर कपिल शर्मा सुर्खियों में बन जाएं। हालांकि अभी फीमेल लीड के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में नहीं होंगी। और ये दोनों क्यों नहीं होंगी इस बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब रह जाती है कैटरीना कैफ, जिनको सलमान खान अपनी हर फिल्म में लेना चाहते हैं और दोनों की जोड़ी को भी लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कैटरीना कैफ के। देखा जाए तो जिस हिसाब से सलमान खान अपनी फिल्मों में कैटरीना कैफ को साइन कर रहे हैं, आने वाले वक्त में तो ऐसा लग रहा है कि कैटरीना कैफ ही सुपरस्टार होंगी। देखा जाए तो ऐश्वर्या राय के बाद प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा के बाद अब कैटरीना कैफ का ही नाम होगा। तो अब बारी आती है फिल्म में विलेन की। तो भैया एक वक्त था जहां बॉलीवुड में विलेंस ही विलेंस थे, चाहे हम उगैम्बो यानी अमरीश पुरी को देखें, या फिर शक्ति कपूर या फिर गब्बर यानी कि अमजद खान को देखें, विलेंस की भरमार थी। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में विलेंस है ही नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया जहां विद्युत जामवाल और सोनू सूद विलेंस के तौर पर बॉलीवुड में आए, पर धीरे धीरे उन्होंने भी हीरो के रूप में जगह बना ली। देखा जाए तो साउथ एक ऐसी जगह है जहां हीरो और विलन एक बराबर हैं, मतलब कि काउंटिंग्स के मामले में। तो उम्मीद है कि शेर खां में भी साउथ का ही कोई विलन नजर आएगा, जैसे कि हमने वांटेड में देखा था प्रकाश राज को। तो हो सकता है कि इस फिल्म में प्रकाश राज नजर आए, या फिर कबीर धुआं सिंह, जगपति बाबू, देव गिल, ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है विलन की। लेकिन सलमान खान की फिल्मों में सब कुछ टॉप का होता है, तो विलन भी टॉप का होगा। ऐसे में अभी साउथ में सबसे टॉप पर है जगपति बाबू, तो हो सकता है कि शायद जगपति बाबू को फिल्म में कास्ट करें सलमान खान। मतलब कि फिल्म का बजट लगभग कम से कम 200 करोड़ और फिल्म का कलेक्शन लगभग 1200 करोड़। और ये क्यों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। सूत्रों की माने तो खबर आई है कि इस फिल्म में सुहेल खान कैमियो करते नजर आ सकते हैं। इस फिल्म में एक ऐसा सीन होगा जहां सलमान खान अपनी हीरोइन से काफी दूर होंगे और उन्हें किसी की हेल्प चाहिए, तो वहां सुहेल खान की एंट्री होगी जहां वो सलमान खान की हीरोइन को बचाते नजर आएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि सलमान खान का इस फिल्म में एक नहीं बल्कि दो दो रूप देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि सलमान खान का डबल रोल होगा या फिर सिंगल रोल होगा। बात करें फिल्म की रिलीज डेट की, तो ये फिल्म उम्मीद की जा रही कि 2020 के ईद तक रिलीज हो सकती है, क्योंकि उससे पहले सलमान खान के पास फिल्मों की लाइन लगी है और वो किसी भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को नाराज नहीं कर सकते। 2019 में क्यों नहीं, क्योंकि 2019 में सलमान खान की यानी कि चुलबुल पांडे की फिल्म दबंग 3 रिलीज होगी। और ये फैंस के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि सलमान खान ने किक 2 से पहले दबंग 3 को रिलीज करने का फैसला किया है। ये फिल्म अरबाज खान के प्रोडक्शन में बन रही है और ये दबंग का तीसरा सीरीज है। देखा जाए फिलहाल अभी तक कास्टिंग फाइनल नहीं हुई है, लिहाजा फिल्म को फ्लोर पर आने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। तो दोस्तों लेते हैं अलविदा, कल मिलेंगे फिर आपसे। देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सुल्तान ने कमर कस ली है चीनी बॉक्स ऑफिस पर दांव लगाने के लिए। आपका स्वागत करते हैं बॉलीग्राड के गलियारे में।
सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म भारत के कारण चर्चा में। चर्चा उनके रोल से अधिक प्रियंका चोपड़ा को छोड़कर जाने की है, क्योंकि वो अब इंटरनेशनल खिलाड़ी जो बन गई है। वैसे सलमान भी दुनिया भर में कम फेमस नहीं है और एक बार वो फिर चाइना जा रहे हैं। जी हाँ, सलमान खान की फिल्म सुल्तान अब चीन में रिलीज होगी। ये फिल्म 31 अगस्त से चीन के सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। चीन में सुल्तान को 11,000 स्क्रीन में रिलीज किया जाएगा और प्रतिदिन करीब 40,000 शोज होंगे। इससे पहले सलमान खान की बजरंगी भाईजान वहां रिलीज हुई थी। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान देसी से विदेशी रेसलिंग के खिलाड़ी बने हैं, जो एक बार तो हौसला पस्त हो जाता है और लेकिन उसकी पत्नी उसे मोटिवेट करती है। फिल्म में अनुष्का शर्मा ने सलमान खान की पत्नी का रोल निभाया था। यशराज फिल्म्स की सुल्तान 6 जुलाई 2016 को रिलीज हुई थी। ये सुल्तान अली खान नाम के हरियाणा के एक पहलवान की कहानी थी। फिल्म में अनुष्का शर्मा ने अरफा हुसैन का रोल अदा किया था, जो खुद एक स्टेट लेवल रेसलर थी। फिल्म में रणदीप हुड्डा, अमित साध ने भी काम किया था। भारत में 36,54,00,000 रुपए से ओपनिंग देने वाली इस फिल्म ने 300,45,00,000 रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। इससे पहले सलमान खान की बजरंगी भाईजान ने चीन के बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी। फिल्म 2 मार्च को चीन में 1700 स्क्रीन पर रिलीज हुई और $2.8 मिलियन यानी कि लगभग 18 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। फिल्म ने 5 हफ्ते बाद 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर लिया था। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारे सुल्तान चीन में अपना झंडा कितने करोड़ों का गाड़ेंगे। सलमान खान बने तेहरान के सुल्तान, जीते इतने सारे अवार्ड्स। आपका स्वागत करते हैं बॉलीग्राड के गलियारे में। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली सलमान खान की फिल्म सुल्तान ने तेहरान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल में अपना परचम लहराया है। फिल्म को इस फिल्म समारोह में 3 पुरस्कार मिले हैं। एक रेसलर की धांसू और इमोशनल कहानी पर बनी अली अब्बास जफर निर्देशित सुल्तान को तेहरान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जबरदस्त सराहना मिली है। फिल्म को 3 अवार्ड्स लॉन्ग नैरेटिव सेक्शन में मिले हैं। सलमान खान को इस फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी के साथ मानद डिप्लोमा दिया गया है। अनुष्का शर्मा बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई है, जबकि अली अब्बास जफर बेस्ट डायरेक्टर। सुल्तान को मिले इस सम्मान पर निर्देशक अली अब्बास ने कहा है कि सुल्तान ने सांस्कृतिक और भाषा की सीमा से परे जाकर एक दमदार स्टोरी बताई है। इस कहानी में कलाकारों के प्रदर्शन ने न सिर्फ जान फूंकी बल्कि कुश्ती के खेल से जीवन के बदलाव का नजरिया पेश किया। हम इस पुरस्कार के लिए तेहरान फिल्म फेस्टिवल के आभारी हैं। इससे पहले बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सुल्तान को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था और शंघाई फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म की खूब तारीफ हुई थी। साल 2016 में रिलीज हुई सुल्तान ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ 45 लाख रुपए के लाइफ टाइम कलेक्शन किया है। ये फिल्म सलमान सुल्तान 2 फिल्म की शूटिंग कब से शुरू होने की संभावना है? सुल्तान ने पहले दिन कितने करोड़ रुपए की कमाई की थी? सुल्तान 2 की स्क्रिप्टिंग कौन कर रहा है? सिल्वेस्टर स्टेलोन सुल्तान फिल्म क्यों नहीं कर पाए? सलमान के लंगोट लुक की आमिर खान की पत्नी किरण राव ने खूब तारीफ की, तो आमिर खान ने क्या रिएक्शन दिया था? सुल्तान 2 को अभी से 1500 करोड़ी फिल्म क्यों कहा जा रहा है? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। सुल्तान भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन अली अब्बास जफर ने तथा निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है। इसमें मुख्य किरदार में सलमान खान ने सुल्तान अली खान का किरदार निभाया और अनुष्का शर्मा ने अरफा अली खान का, रणदीप हुड्डा ने फतेह सिंह यानी कि सुल्तान का कोच, अमित साध ने आकाश का जो कि सुल्तान का प्रस्तुत करता था। सलमान की फिल्म सुल्तान रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ कमाई के रिकॉर्ड बनाए थे। रिलीज के पहले दिन ही 40 करोड़ की कमाई कर सुल्तान ने कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिए थे। अब सुल्तान के फैंस के लिए एक और खुशखबरी ये है कि इस फिल्म के सीक्वल की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सुल्तान के सीक्वल की चर्चा को लेकर खबरें आ रही हैं कि आदित्य चोपड़ा ने
फिल्म को मिले रिस्पांस को देखते हुए सुल्तान का सीक्वल बनाने का मन बना लिया है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो आदित्य चोपड़ा ने सुल्तान के डायरेक्टर अली अब्बास जफर को सुल्तान 2 की स्क्रिप्टिंग करने की बात भी कही है। यही नहीं, ये भी चर्चा है कि आदित्य चोपड़ा ने सलमान खान को सुल्तान 2 का ऑफर दिया है, जिस पर सलमान ने हामी भी भर दी है। सलमान को एक बार फिर सुल्तान के अंदाज में देखने के लिए फैंस दिल थाम के इंतजार करेंगे। सलमान की फिल्म सुल्तान ने रिलीज होते ही धमाका कर दिया था। जी हाँ, दबंग खान ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वो ही बॉलीवुड के असली सुल्तान हैं। फिल्म को न केवल क्रिटिक्स की तरफ से सराहा गया था बल्कि लोगों का भी खूब प्यार मिला था। ज्यादातर सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स हाउसफुल जा रहे थे। रिलीज होते ही सलमान खान और अनुष्का शर्मा की सुल्तान ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े जो बेहद मुश्किल थे। आइए नजर डालते हैं उन रिकॉर्ड्स पर जो अब सलमान खान की सुल्तान के नाम पर हैं। सलमान खान की सबसे बड़ी ईद ओपनर फिल्म सलमान खान की सुल्तान ने पहले ही दिन अपनी सारी ईद रिलीज फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सलमान खान की फिल्में अक्सर ईद पर रिलीज होती हैं। अब तक एक था टाइगर सलमान खान की सबसे बड़ी ईद ओपनर फिल्म थी, लेकिन अब ये टाइटल सुल्तान के नाम हो गया है। साल 2016 की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म सुल्तान 40 करोड़ की कमाई के साथ साल की सबसे ज्यादा फर्स्ट डे कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई थी। ये खिताब अभी तक शाहरुख खान की फिल्म फैन के पास था, जिसे पछाड़ते हुए सलमान की सुल्तान बहुत आगे निकल गई थी। ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली स्पोर्ट्स फिल्म। स्पोर्ट्स फिल्मों को हमेशा से बॉलीवुड में पसंद किया गया है, जो सुपरहिट भी हुई है, लेकिन सलमान ने पहली बार एक स्पोर्ट्स फिल्म की और सबको एक झटके में पछाड़ दिया। 40 करोड़ के फर्स्ट डे कलेक्शन के साथ सुल्तान ने चक दे इंडिया, मैरी कॉम, भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों को पीछे कर दिया था। एडवांस बुकिंग में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सलमान खान की सुल्तान ने रिलीज के पहले ही एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में खूब कमाई की। सुल्तान ने एडवांस बुकिंग में 18 करोड़ की कमाई की थी, जो कि बाकी फिल्मों से कई ज्यादा था। बुधवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। बुधवार को बहुत कम ही फिल्में रिलीज होती हैं। सुल्तान के पहले सलमान की फिल्म एक था टाइगर भी बुधवार को रिलीज हुई थी, जिसको पहले दिन की कमाई करीब 33 करोड़ रुपए थी। लेकिन सुल्तान फिल्म ने इस खिताब को भी अपने नाम कर लिया। ये सारे रिकॉर्ड सुल्तान ने पहले दिन बनाए। जून 2015 में सलमान को लेकर यशराज फिल्म्स ने सुल्तान बनाने की घोषणा की थी। 6 जुलाई 2016 को फिल्म रिलीज की गई थी। पहलवान बने सलमान को जब पहली बार लंगोट पहनकर शूटिंग करनी पड़ी तो उनके छक्के छूट गए। पूरी यूनिट के सामने लंगोट पहनकर अभिनय करने में उन्हें शर्म महसूस हो रही थी और ये सिलसिला हमेशा चला। सलमान का कहना है कि वे लगभग रो ही पड़े थे, इससे उन्हें उन अभिनेत्रियों का दर्द महसूस हुआ जो सबके सामने बिकनी पहनकर शॉट देती हैं। सलमान के लंगोट लुक की आमिर खान की पत्नी किरण राव ने खूब तारीफ की। खिसियाए हुए आमिर खान को कहना पड़ा कि सलमान खान कपड़ों के बिना और भी हैंडसम लगते हैं। सुल्तान की जब शूटिंग चल रही थी तो मुंबई स्थित सेट पर उनसे मिलने शाहरुख खान भी पहुंचे। इस मुलाकात को शूट किया गया ताकि बिहाइंड द सीन में ये फुटेज उपयोग किया जा सके। अब कहा जा रहा है कि इस शॉट को फिल्म में उपयोग किया गया है। कहानी में ट्विस्ट ये डाला गया था कि फिल्म में पहलवान बने सलमान एक सेलिब्रिटी से मुलाकात करते हैं और उन्हें शाहरुख से मिलते दिखाया गया था, पर जब फिल्म रिलीज की गई तो ये सारे सीन नहीं थे। सलमान ने इतनी मेहनत पहले किसी रोल के लिए नहीं की। इस फिल्म में वह पहलवान बने थे, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को पहलवान के अनुरूप बनाया और वे वजन बढ़ाकर 95 किलोग्राम तक ले गए थे। रोजाना 4 घंटे की ट्रेनिंग सेशन उनका होता था, जिसे वह लर्नर स्टोवल और उनकी टीम के साथ करते थे। ये सलमान खान के लॉस एंजलिस से आए थे और सलमान को कुश्ती और मिक्स्ड मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग उन्होंने दी। सलमान का कहना है कि ट्रेनिंग बहुत कड़ी होती थी, जिसकी वजह से घुटनों, पीठ, पैरों और कंधों में दर्द होता रहता था। कई बार तो वे सोचते थे कि सुल्तान उन्हें क्यों साइन कर ली, पर वे हार मानने वालों में से नहीं थे, इसीलिए पसीना बहाकर चुनौती का सामना उन्होंने किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वे इतने थक जाते थे कि ठीक से चल नहीं पाते थे। उनकी हालत बलात्कार पीड़ित महिला जैसी हो गई थी। उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई और उनके पिता सलीम खान ने हमेशा की तरह बात संभाली। सलमान को अपनी हेयर स्टाइल बदलना पसंद नहीं है, लेकिन इस फिल्म के लिए विशेष रूप से उन्होंने अपने बाल छोटे करवाए। सुल्तान में सलमान के कोच का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। इस रोल के लिए पहले
सिल्वेस्टर स्टेलोन के नाम पर विचार किया गया। फिर संजय दत्त के बारे में सोचा गया। अंततः ये भूमिका रणदीप हुड्डा ने निभाई। रणदीप हुड्डा ने शूटिंग के दौरान सलमान खान को कुश्ती लड़ने की खास तकनीक बताई। रणदीप एक फिल्म के लिए पहले मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले चुके हैं और ये जानकारी उन्होंने सुपरस्टार से साझा की, जो सल्लू के बेहद काम आई। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कई दिनों बाद तक हीरोइन फाइनल नहीं हुई थी। दीपिका पादुकोण, परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, कीर्ति सेनन के नामों की भी चर्चा हुई थी। आखिरकार यशराज की पसंदीदा हीरोइन अनुष्का शर्मा को चुन लिया गया था। अनुष्का शर्मा और सलमान खान पहली बार किसी फिल्म में साथ काम किए थे। सुल्तान के साथ फिल्म करते हुए अनुष्का उन अभिनेत्रियों में शामिल हो गई कि जिन्होंने तीनों खान सुपरस्टार के साथ फिल्म की है। वे शाहरुख खान के साथ जब तक है जान और रब ने बना दी जोड़ी तथा आमिर खान के साथ पीके कर चुकी हैं। सुल्तान में MMA फाइटर टायरन वुडले भी नजर आए थे। वे सलमान खान के साथ फिल्म में फाइट करते हुए दिखाई गए थे। सलमान ने बताया कि सुल्तान में ज्यादातर फाइट रियल बिना केबल्स के और सचमुच के पहलवानों के साथ थे। फाइट सीन में जब सलमान ने सचमुच के पहलवानों को देखा तो हैरान रह गए थे। कहा जाता है कि सलमान के सुल्तान में पहलवान बनने से आमिर खान चिंतित हो गए थे, क्योंकि वे भी दंगल में पहलवान बने हैं। दोनों फिल्में और सुल्तान से तुलना ने आमिर को परेशान कर दिया था। आमिर चाहते थे कि दंगल पहले रिलीज हो, लेकिन बाद में शुरू हुई सुल्तान न केवल पहले बन गई बल्कि पहले रिलीज भी हुई है। रिलीज के पहले सुल्तान देखने के बाद सलमान के पिता सलीम खान ने निर्देशक अली अब्बास जफर को कहा कि स्क्रिप्ट से बेहतर उनका निर्देशन है। सुल्तान में अनुष्का शर्मा भी पहलवान बनी थी। इस फिल्म के पहले वह कुश्ती के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखती। फिल्म साइन करने के बाद उन्होंने इस खेल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई ताकि अपने चरित्र को वे ठीक से निभा सकें। सुल्तान के पहले पोस्टर को देख जहां उनके फैंस निहाल हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इसकी खिल्ली उड़ाई। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कमेंट भी किए गए। यदि पोस्टर को आप गौर से देखें तो सलमान की गर्दन नजर ही नहीं आ रही थी। एक व्यक्ति ने लिख डाला कि सलमान में दिमाग नहीं है, कि ये तो मालूम था लेकिन गर्दन भी नहीं है। पहली बार पता चला कुछ लोगों को इसमें फोटोशॉप की हरकत नजर आई। उनके मुताबिक बॉडी किसी और की और चेहरा सलमान का है, इस कारण गर्दन नहीं नजर आ रही है। निर्देशक अली अब्बास जफर का कहना था कि कमेंट्स पढ़कर उनको भी हंसी आ गई, लेकिन फोटोशॉप की बात गलत है। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार। सुल्तान अली खान यानी कि सलमान खान एक मध्यम आयु का पूर्व पहलवान था जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। आकाश ओबरा यानी कि अमित शाह एक प्रोटेक डाउन लीग का मालिक रहता है। वो इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वो सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देता है। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद यानी कि अनंत शर्मा से बात करता है। इसके बाद गोविंद उसे 8 साल पहले की कहानी बताता है, जब सुल्तान को अरफा यानी कि अनुष्का शर्मा से प्यार हो जाता है, लेकिन अरफा उसे मना कर देती है। सुल्तान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेहनत करता है और पहलवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है। इस मुकाबले के जीतने के बाद जल्द ही अरफा और उसकी शादी हो जाती है और वो राष्ट्रीय स्तर पर पहलवान बन जाता है। कुछ समय बाद अरफा माँ बनने वाली होती और पहलवानी छोड़ देती है। जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वो एक और मुकाबले में जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण मर गया है। उसका खून ओ प्लस होता है जो सुल्तान का भी होता है, लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता है। इस कारण अरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है। उसके बाद सुल्तान अकेला वहाँ रक्त बैंक बनाने के लिए पैसे जमा करने लगता है। इस बात का पता चलते ही आकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वो लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बिढंगा और मोटा हो जाता है। इस कारण वो उसे फतेह सिंह यानी कि रणदीप हुड्डा के पास छोड़ देता है, जहां वो कुछ सप्ताह के लिए अभ्यास करता है। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है, लेकिन सेमीफाइनल में उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकाश को कहते हैं कि जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
इसके बाद अरफा अस्पताल आ जाती है और उसे इस काम को पूरा करने के लिए बोलती है। सुल्तान दर्द के बाद भी इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और अरफा फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसों से एक ब्लड बैंक बनाता है। इसके कुछ वर्षों के बाद अरफा एक बच्ची को जन्म देती है। कुछ इसी प्रकार कहानी है सुल्तान की। सुल्तान 2 की कहानी यहीं से शुरू होगी और इस बार कैटरीना कैफ इस फिल्म से जुड़ जाएंगी। सलमान के स्टारडम के कारण इस फिल्म को 1500 करोड़ी फिल्म कहा जा रहा है। 2021 तक इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन सलमान खान अभी तो बहुत बिजी चल रहे हैं और आजकल भारत फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और इसके बाद दबंग 3 की शूटिंग करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सलमान खान सुल्तान 2 की शूटिंग कब शुरू करते हैं। दोस्तों हमें कमेंट करके ये बताइए कि क्या सुल्तान 2 बनना चाहिए या नहीं। सलमान खान आज एक अभिनेता हैं, सुपरस्टार हैं और अपने आप में एक ब्रांड है। सलमान खान को देखकर लोगों को लगता है ये सब बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कोई भी इंसान आसानी से इतना सफल नहीं हो सकता। उसके व्यक्तित्व में कोई न कोई ऐसा गुण होना चाहिए जो उसको उस मुकाम पर पहुंचा सके। आज आपको सलमान खान के जीवन के कुछ ऐसे ही पहलुओं एवं गुणों से मैं अवगत कराऊंगा। आज 27 दिसंबर को सलमान खान अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर उनकी जिंदगी के कुछ पहलुओं पर एक नजर। पूरा नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान। जन्म 27 दिसंबर 1965 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। पहली फिल्म 1988 में बीवी हो तो ऐसी, बतौर सह अभिनेता। बतौर हीरो वाली पहली फिल्म 1989 मैंने प्यार किया, पसंदीदा हीरो धर्मेंद्र, सिल्वेस्टर स्टेलोन। पसंदीदा हीरोइन हेमा मालिनी। खास किस्से, सलमान खान और शाहरुख खान में पहले बेहद पटती थी। एक बार कैटरीना कैफ के जन्मदिन की पार्टी में दोनों में झगड़ा हो गया। कुछ वर्ष बाद एक पार्टी में सलमान ने पहल करते हुए शाहरुख खान को गले लगा लिया। इसके बाद से दोनों ने कड़वी बातों को भुला दिया है। सलमान खान की पहली फिल्म मैंने प्यार किया की सफलता का मेकर्स को भरोसा नहीं था। बहुत कम प्रिंट्स के साथ इसे कुछ जगह रिलीज किया गया। बाद में भारी कामयाबी के कारण फिल्म के प्रिंट्स की संख्या बढ़ाई गई। टर्निंग प्वाइंट, कुछ वर्ष पहले सलमान ने बहुत शराब पीना शुरू कर दिया था। एक दिन जब आईने में उन्हें अपना चेहरा भयानक लगा, इसके बाद उन्होंने शराब पीना कम कर दिया। और भी परेशानियां, सलमान पर 2 बार फतवा जारी हो चुका है। पहली बार मैडम तुसाद म्यूजियम में मूर्ति लगाने पर, दूसरी बार गणेश पूजा करने पर। सलमान खान को ट्राइजेमिनल न्यूरलजिया नामक बीमारी है। इसमें चेहरे की नसों में बहुत दर्द होता है। लकी चार्म, पिछले कई सालों से वे एक ब्रेसलेट पहन रहे हैं जिसमें फिरोजा स्टोन लगा है। वो मानते हैं कि ये उनके लिए लकी है। शौक, अभिनय के अलावा सलमान खान लेखक भी हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों की कहानी लिखी है। वे पेंटिंग्स बनाना भी पसंद करते हैं। कार और मोटर बाइक रखना, जैसे कि BMW M5, BMW X6, ऑडी, रेंज ओवर, लेक्सस LX 470 जैसी कई महंगी कारें उनके कलेक्शन में हैं। 1990 में मिला था पहली फिल्म के लिए बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड। 2004 में पीपुल मैगजीन ने बताया बेस्ट लुकिंग इंडियन। 2005 मुझसे शादी करोगी और नो एंट्री की सफलता ने दिया कैरियर को पुनर्जीवन। 2006 की 10 अप्रैल को चिंकारा शिकार मामले में 5 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी। 2018 में 5 अप्रैल को जोधपुर की अदालत ने काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिया। सेट बैक इन लाइफ, राजस्थान में चिंकारा को मारने का मामला अदालत में अभी भी चल रहा है। एक समय उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हुई, फिर पार्टनर और वांटेड ने उबारा। 2002 में
उनकी कार ने रात में फुटपाथ पर सोए हुए चार व्यक्तियों को कुचल दिया था, जिसे लेकर हिट एंड रन का केस चला। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं तो समाधान भी होते। ऐसे में हताश होने से बेहतर है अपने विवेक द्वारा समस्या को सुलझाने के रास्ते तलाशना। समस्याओं को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। देखा जाए तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो समस्याओं से दो चार ना हो रहा हो, लेकिन सकारात्मक दृष्टि हो तो आप कह सकते हैं कि समस्याएं दरअसल उन मसालों की तरह हैं जो जिंदगी का स्वाद बढ़ा देती, जूझने के लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास का संचार करती। वक्त को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन वक्त की कसौटी पर कसकर कुछ लोग बदलते हुए देखे। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान उन्हीं लोगों में आते हैं। सलमान खान की मैंने प्यार किया फिल्म सुपरहिट हुई थी और सलमान खान बहुत खुश थे, लेकिन कुछ समय के बाद भाग्यश्री ने शादी कर ली। उसके बाद सलमान खान को कोई फिल्मकार कास्ट करने को तैयार नहीं था। सलमान खान को लगने लगा था कि उनका फिल्मी करियर समाप्त हो गया है, पर सलमान खान ने आत्मविश्वास नहीं छोड़ा। फिर उनके पिता सलीम खान ने रास्ता दिखाया और सलमान खान उसके बाद बहुत सी हिट फिल्में बॉलीवुड को दी। सलमान खान का मानना है, समस्याओं से भागो मत, सामना करो, फिर पूरी जिंदगी चैंपियन की तरह जियो। सलमान खान आज भी एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिनमें भयानक दर्द होता है, जिसे ट्राइजेमिनल न्यूरालाजिया बीमारी कहा जाता है। चेहरे की कोशिकाओं में दर्द होता है, दर्द पूरे जबड़े और चेहरे पर फैल जाता है। सलमान खान के लिए स्टारडम की चमक धमक से ज्यादा अहमियत चैरिटी रखती है। तीन स्कूलों का खर्च सलमान खान उठाते हैं। जरूरतमंदों के लिए सलमान खान अभी तक 47 करोड़ रुपए दे चुके हैं। चलते फिरते लोगों की मदद करते रहते हैं। फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग के लिए जब कश्मीर गए थे, तब जाइना बेगम का दुखड़ा उनसे सुना नहीं गया। जाइना की झोली खाली नहीं जाने दी, परिवार की मदद की और उनके पोते की नौकरी लगवाई। सलमान खान ने हार नहीं मानी और लड़ते रहे। वोल्टेयर ने कहा था कि जीवन जो ताश के पत्ते देता है, उन्हें हर खिलाड़ी को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन जब पत्ते हाथ में आ जाए तब खिलाड़ी को तय करना होता है कि वो कैसे खेले ताकि बाजी जीत सके। यहाँ ताश के पत्ते जिंदगी में आने वाली मुसीबत, कठिनाइयाँ व समस्याएं हैं। कुछ लोग पत्ते हाथ में आते ही आत्मसमर्पण कर देते हैं, जबकि कुछ लोग कमजोर पत्तों के बावजूद हारी बाजी को जीत में बदल देते हैं। खेल अगर पत्तों पर निर्भर करता है तो खिलाड़ी पर भी निर्भर करता है। इसी तरह से सलमान खान ने हारी बाजी को जीत में बदल दिया और आज की तारीख में सलमान खान सभी के चहेते बन गए। सलमान खान एक छोटे से घर में रहते हैं, क्योंकि सलमान खान के माता पिता उस घर को नहीं छोड़ना चाहते और सलमान खान अपने माता पिता को। जिस दौर में खून के रिश्तों की डोर कमजोर है, उसी दौर में सलमान खान रिश्तों की मिसाल देते हुए नजर आते हैं। यही सब कारण है कि सलमान खान एक ब्रांड है। उन्हें पता है कि समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। हारा वही जो लड़ा नहीं। टू इयर्स सलमान खान की 300 करोड़ फिल्म एकदम खिड़की तोड़ कमाई, विदेशों में भी बेस्ट फिल्म। सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म रेस 3 को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में। रेस 3 भले ही बॉक्स ऑफिस पर वृद्धि साबित हुई हो, लेकिन उनकी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को 2 साल हो गए हैं। ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि 2016 में रिलीज हुई सुल्तान है। सुल्तान सलमान खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। 2016 के बॉक्स ऑफिस पर सारे आंकड़े चकनाचूर करने वाली ये फिल्म सलमान खान की सबसे शानदार फिल्म बताई जाती है। अली अब्बास, जफर और सलमान खान की जोड़ी इस फिल्म के लिए वरदान साबित हुई। ये फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। सुल्तान को जितनी सफलता भारत में मिली, उतना ही ये फिल्म विदेशों में पसंद की गई। चीन में 20वें शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सुल्तान को बेस्ट एक्शन मूवी का अवार्ड मिला था। सुल्तान में सलमान खान की जी तोड़ मेहनत स्क्रीन पर साफ नजर आ रही थी। वहीं इस फिल्म की कई सारी बातों के अलावा सलमान और अनुष्का की शानदार केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया।
स्पोर्ट्स और रोमांस के जबरदस्त कॉम्बिनेशन ने इस 2016 की बेस्ट फिल्म बना डाला। सुल्तान ने सिर्फ भारत में ही 300 करोड़ कमाए, वहीं दुनिया भर में इसकी कमाई किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इस एक फिल्म से सलमान के इतने रिकॉर्ड कायम किए जो शायद ही अपने पूरे करियर में किए होंगे। आज हम आपको सलमान के कुछ बेस्ट रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे। लगातार 29 एवरेज फ्लॉप फिल्में देने वाले एक्टर, ऐसा नहीं है सलमान खान ने अपने करियर में फ्लॉप फिल्में ना दी। 2000 के दशक में उन्होंने फ्लॉप फिल्मों की बाढ़ लगाई है, लेकिन इन सब के बीच कुछ उपलब्धियों को नहीं ठुकराया जा सकता। इनमें मैरी गोल्ड, सलामे इश्क, मैं और मिसेज खन्ना, जाने मन जैसी फिल्में शामिल है। 500 करोड़ की तैयारी, जी हाँ, दबंग के बाद से सलमान खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। इसके बाद तो सलमान खान बस आगे बढ़ते गए। 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ और अब 500 करोड़ की तैयारी में है भारत, शायद उनका रिकॉर्ड बदलेगी। सलमान खान हमेशा से सुपरस्टार रहे हैं और बॉक्स ऑफिस के किंग भी। इसका कारण है 10 ऑल टाइम रिकॉर्ड जो केवल सलमान खान के पास है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये रिकॉर्ड सलमान खान के पास केवल 72 फिल्मों में है। सबसे ज्यादा 100 करोड़ क्लब में शामिल फिल्में, सलमान खान ने सबसे ज्यादा 100 करोड़ की फिल्में दी हैं। हालांकि अक्षय कुमार की स्पीड को देखकर लगता है सलमान खान का ये रिकॉर्ड जल्द ही अक्षय कुमार तोड़ देंगे। सबसे ज्यादा 200 करोड़ की फिल्में, एक तरफ जहां आमिर खान क्लब की शुरुआत करते हैं, वहीं सलमान खान इस क्लब में फिल्मों की संख्या बढ़ाते जाते हैं। सबसे ज्यादा 150 करोड़ की फिल्में, 100 करोड़, 150 करोड़ की फिल्में अब सलमान के लिए मजाक जैसी हो गई हैं। वो कुछ भी नहीं करेंगे तो भी फिल्में इतना कमा ही लेंगी। 13 ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, जिनमें से सुल्तान, बजरंगी भाईजान, दबंग, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। दूसरी सबसे ज्यादा कमाई, 72 फिल्मों में काम करने के बाद सलमान खान करीब 2900 करोड़ के स्टार हैं। हालांकि अभी भी वो अक्षय कुमार के 3000 करोड़ के क्लब से काफी पीछे हैं। सलमान खान की हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करती है और यही कारण है कि उनका एवरेज बेहतरीन है। दूसरा सबसे बड़ा हफ्ता, वहीं सलमान खान दूसरा सबसे बड़ा हफ्ता भी बॉलीवुड को दे चुके हैं, लगभग 208 करोड़ का। चीन में दूसरे दिन सलमान खान का ऐसा लगा दांव। आपका स्वागत करते हैं बॉलीग्राड के गलियारे में। बॉक्स ऑफिस के सुल्तान सलमान खान भारत में तो अपना दमखम साबित कर देते, लेकिन चीन के बॉक्स ऑफिस पर अब तक वो रुतबा हासिल नहीं कर सके। इस बार वहां रिलीज हुई सलमान खान की सुल्तान ने 2 दिन में 14.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी सलमान खान की फिल्म सुल्तान इस शुक्रवार 31 अगस्त को चीन में रिलीज हो गई। फिल्म ने दूसरे दिन 1.09 मिलियन डॉलर यानी 7.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म ने पहले दिन 9.40 लाख यानी कि 6.68 करोड़ रुपए का मामूली कलेक्शन किया था। फिल्म को चीन से 2 दिन में 2.03 मिलियन डॉलर यानी 10.38 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। लेकिन ये सलमान खान के स्टैंडर्ड का परफॉर्मेंस नहीं है। चीन में सुल्तान को 11,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और प्रतिदिन करीब 40,000 शोज होंगे। सलमान की ये दूसरी फिल्म है जो चीन में रिलीज हुई है। इससे पहले सलमान की बजरंगी भाईजान वहां रिलीज हुई थी। फिल्म इस साल 2 मार्च को चीन में 1700 स्क्रीन पर रिलीज हुई। गलती से भारत चली आई पाकिस्तान स्पेशल चाइल्ड मुन्नी को उसके घर पहुंचाने वाले बजरंगी की कहानी पर बनी कबीर खान निर्देशित इस फिल्म ने चीन में 2.25 मिलियन डॉलर यानी 14.61 करोड़ रुपए से ओपनिंग ली और दूसरे दिन 3.11 मिलियन डॉलर यानी 20.36 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। चीन के बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान से मुकाबला तो दूर, सलमान की सुल्तान उनकी फिल्मों के पास तक भी नहीं पहुंची है। आमिर की दंगल फिल्म ने चीन के बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 2.27 मिलियन डॉलर यानी 14.67 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दंगल को दूसरे दिन 4.69 मिलियन डॉलर यानी 30.30 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार ने पहले दिन 6.79 मिलियन डॉलर यानी 43.35 करोड़ रुपए बटोरे। दूसरे दिन 10.49 मिलियन डॉलर यानी 66.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान देसी से विदेशी रेसलिंग के खिलाड़ी बने थे, जो एक बार तो हौसला पस्त हो जाता है।
और लेकिन उसकी पत्नी उसे मोटिवेट करती है। फिल्म में अनुष्का शर्मा ने सलमान खान की पत्नी का रोल निभाया था। यशराज फिल्म्स की सुल्तान 6 जुलाई 2016 को रिलीज हुई थी। ये सुल्तान अली खान नाम के हरियाणा के एक पहलवान की कहानी थी। फिल्म में अनुष्का शर्मा ने अरफा हुसैन का रोल अदा किया था, जो खुद एक स्टेट लेवल रेसलर थी। फिल्म में रणदीप हुड्डा, अमित शाह और अनंत विदार्थ शर्मा ने भी काम किया था। भारत में 36,54,00,000 रुपए से ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म ने 300,45,00,000 रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि सलमान खान की फिल्म भारत की तरह क्या चीन में भी धमाल मचाती रहेगी। सलमान खान की फिल्म शेर खां को 1200 करोड़ फिल्म क्यों कहा जा रहा है? क्या फिल्म में दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा नजर आएंगी या नहीं? क्या सच में इस फिल्म में सुहेल खान का कोई कैमियो रोल हो सकता है या नहीं? सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म शेर खां का बजट कितना हो सकता है? क्या इस फिल्म से कपिल शर्मा फिर से सुर्खियों में आ जाएंगे या नहीं? हेलो दोस्तों, मैं वही आपका अपना दोस्त अंकित स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। कहते हैं कि जो खैरात में मिलती है कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता है, और फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। लेकिन दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं, उसे कोई खैरात में कामयाबी नहीं मिली, उसने खुद को लाजवाब बनाया है। मैं आज जिनके बारे में बात कर रहा हूं या जिनकी फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूं, लोग उन्हें बॉलीवुड के भगवान मानते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि बॉलीवुड में आधे से ज्यादा लोग सिर्फ उनकी बदौलत चल रहे हैं। कहते हैं कि वो यारों के यार हैं और दुश्मनी उनसे अच्छा कोई और निभा नहीं सकता। जिससे भी एक बार दुश्मनी हो जाती है, वो फिल्मी दुनिया से धीरे धीरे गायब हो जाता है, और उनके इसी बात का मैं खुद भी कायल हूँ। लोगों ने तो उन्हें बहुत से नाम दिए, पर बॉलीवुड ने उन्हें अपना भाईजान कहा, और इस भाईजान ने बॉलीवुड को भी बहुत से लोग दिए। चाहे वो सिंगर हो या फिर एक्टर, इनका तो एक ही उसूल है कि जिस पे दिल आ गया तो उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान के बारे में, और आज का टॉपिक है फिल्म शेर खान। सलमान खान एक ऐसे एक्टर है जिनकी लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उस उतार चढ़ाव से उन्होंने सीख लिया था कि वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा, जीवन एक कारवां है जो चलता ही जाएगा। एक वक्त आया जहां सलमान खान की एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हुई, पर सलमान खान ने हार नहीं मानी। उनके जीवन में जो सबसे प्रिय था वो तक छोड़ के चली गई, फिर भी वो चलते रहे। यहां तक कि लोग उन्हें चलना सिखाते थे कि यार ये कर वो कर तू कामयाब रहेगा, पर उन्होंने अपने दिल के अलावा किसी की बात नहीं सुनी, अपनी राह खुद बनाते गए। और आज एक ऐसा वक्त है जहां लोग उनसे पूछते हैं कि कैसे चलना है और क्या करना है इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए। सलमान खान की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर वर्ल्ड में है, जो उन्हें अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। जब उनकी कोई फिल्म अनाउंस होती है या कोई फिल्म रिलीज होती है तो लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैंस ही सलमान खान को पसंद करते हैं, बल्कि सलमान खान भी अपने फैंस के लिए जान की बाजी लगा देते हैं फिल्मों में। वो जानते हैं कि उनके फैंस उन्हें कैसे देखना चाहते हैं, और इसके लिए वो एक से बढ़कर एक स्टंट्स करने के लिए तैयार होते हैं। सलमान खान के पास फिल्मों की बहुत बड़ी लिस्ट है। सलमान खान अभी एक ऐसे पड़ाव पर है जहां लगातार आने वाले 3 साल तक उनके पास समय नहीं है किसी भी फिल्म के लिए। अभी फिलहाल वो भारत की शूटिंग कर रहे हैं, उसके बाद दबंग 3 और फिर किक 2, उसके बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह। उसके बाद एक और नाम जुड़ गया है इस लिस्ट में, वो नाम है फिल्म शेर खां। शेर खां एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं सलमान खान के भाई सुहेल खान। सुहेल खान के बारे में सभी जानते हैं कि वो क्या है और उन्होंने कितनी फिल्में की हैं, और ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। चाहे हम उनकी फिल्म देख ले कोई सी भी, चाहे वो फिल्म हो प्यार किया तो डरना क्या, या फिर हेलो ब्रदर, मैंने दिल तुझको दिया, फाइट क्लब, पार्टनर, रेडी, जय हो, हम कह सकते हैं कि सुहेल खान की फिल्में लीक में भी होती है
और उनसे हटके भी होती हैं। सोहेल खान की फिल्मों ने प्यार के मायने बदल दिए, यहाँ तक कि दोस्ती क्या होती है उन्होंने ये चीज फिल्म फाइट क्लब में दिखा दिया। और अगर आप में से किसी ने भी ये फिल्म नहीं देखी तो जाइए और देखिए और सीखिए कि दोस्ती क्या होती है। सलमान खान की फिल्म शेर खां पर काम शुरू हो चुका है और लीड रोल के तौर पर अभी सलमान खान और कपिल शर्मा का नाम सामने आ रहा है। कपिल शर्मा क्यों और वो भी सलमान खान के साथ, ये सवाल तो जरूर मन में आया होगा। तो दोस्तों आपने एक शो तो जरूर देखा होगा, कॉमेडी सर्कस, जहां कपिल ने कॉमेडी की शुरुआत की थी और उस शो के जज थे सोहेल खान। सोहेल खान को कपिल का एक्ट बहुत अच्छा लगता था और उन्होंने वहां कपिल को ये कह दिया था कि वो शेर खां में कपिल को कास्ट करेंगे। लगभग इस बात को 4-5 साल हो गए। सोहेल खान ने कपिल शर्मा से वादा किया था कि वो अपनी अगली आने वाली फिल्म शेर खां में उन्हें लेंगे, लेकिन काफी टाइम से शेर खां के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। ऐसा माना जा रहा था कि इस फिल्म का आइडिया सोहेल खान ने ड्रॉप कर दिया, लेकिन एक बार फिर से शेर खां फिल्म की चर्चा जोरों शोरों पर है। फिल्म रेस 3 के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ने अपनी फिल्मों से जुड़े कई खुलासे किए। इसी दौरान उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म भारत, दबंग 3, किक 2 और इसके अलावा शेर खां का भी जिक्र किया। अब जब फिल्म को लेकर सलमान खान ने इतना बड़ा खुलासा कर ही दिया है तो उम्मीद की जा सकती है कि इस फिल्म को लेकर कपिल भी जल्द कोई खुशखबरी सुन सकते हैं। कपिल जब से विवादों में फंसे उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि वो दुनिया से ही गायब हो गए हैं, लेकिन शायद आने वाले वक्त में क्या पता सलमान खान की वजह से फिर कपिल शर्मा सुर्खियों में बन जाएं। हालांकि अभी फीमेल लीड के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में नहीं होंगी। और ये दोनों क्यों नहीं होंगी इस बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब रह जाती है कैटरीना कैफ, जिनको सलमान खान अपनी हर फिल्म में लेना चाहते हैं और दोनों की जोड़ी को भी लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कैटरीना कैफ के। देखा जाए तो जिस हिसाब से सलमान खान अपनी फिल्मों में कैटरीना कैफ को साइन कर रहे हैं, आने वाले वक्त में तो ऐसा लग रहा है कि कैटरीना कैफ ही सुपरस्टार होंगी। देखा जाए तो ऐश्वर्या राय के बाद प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा के बाद अब कैटरीना कैफ का ही नाम होगा। तो अब बारी आती है फिल्म में विलेन की। तो भैया एक वक्त था जहां बॉलीवुड में विलेन्स ही विलेन्स थे, चाहे हम मुगैम्बो यानी अमरीश पुरी को देखें या फिर शक्ति कपूर या फिर गब्बर यानी कि अमजद खान को देखें, विलेन्स की भरमार थी। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में विलेन्स है ही नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया जहां विद्युत जामवाल और सोनू सूद विलेन्स के तौर पर बॉलीवुड में आए, पर धीरे धीरे उन्होंने भी हीरो के रूप में जगह बना ली। देखा जाए तो साउथ एक ऐसी जगह है जहां हीरो और विलेन एक बराबर हैं, मतलब कि काउंटिंग्स के मामले में। तो उम्मीद है कि शेर खां में भी साउथ का ही कोई विलेन नजर आएगा, जैसे कि हमने वांटेड में देखा था प्रकाश राज को। तो हो सकता है कि इस फिल्म में प्रकाश राज नजर आए या फिर कबीर धुआं सिंह, जगपति बाबू, देव गिल, ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है विलेन्स की। लेकिन सलमान खान की फिल्मों में सब कुछ टॉप का होता है, तो विलेन भी टॉप का होगा। ऐसे में अभी साउथ में सबसे टॉप पर है जगपति बाबू, तो हो सकता है कि शायद जगपति बाबू को फिल्म में कास्ट करें सलमान खान। मतलब कि फिल्म का बजट लगभग कम से कम 200 करोड़ और फिल्म का कलेक्शन लगभग 1200 करोड़। और ये क्यों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। सूत्रों की माने तो खबर आई है कि इस फिल्म में सुहेल खान कैमियो करते नजर आ सकते हैं। इस फिल्म में एक ऐसा सीन होगा जहां सलमान खान अपनी हीरोइन से काफी दूर होंगे और उन्हें किसी की हेल्प चाहिए, तो वहां सोहेल खान की एंट्री होगी जहां वो सलमान खान की हीरोइन को बचाते नजर आएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि सलमान खान का इस फिल्म में एक नहीं बल्कि दो दो रूप देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि सलमान खान का डबल रोल होगा या फिर सिंगल रोल होगा। बात करें फिल्म की रिलीज डेट की, तो ये फिल्म उम्मीद की जा रही कि 2020 के ईद तक रिलीज हो सकती है, क्योंकि उससे पहले सलमान खान के पास फिल्मों की लाइन लगी है और वो किसी भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को नाराज नहीं कर सकते। 2019 में क्यों नहीं, क्योंकि 2019 में सलमान खान की यानी कि चुलबुल पांडे की फिल्म दबंग 3 रिलीज होगी और ये फैंस के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि सलमान खान ने किक 2 से पहले दबंग 3 को रिलीज करने का फैसला किया है। ये फिल्म अरबाज खान के प्रोडक्शन में बन रही है और ये दबंग का तीसरा सीरीज है। देखा जाए फिलहाल अभी तक कास्टिंग फाइनल नहीं हुई है, लिहाजा फिल्म को फ्लोर पर आने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। तो दोस्तों लेते हैं अलविदा, कल मिलेंगे फिर आपसे। देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज, आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।
की उन 300 करोड़ क्लब की फिल्मों में शामिल है। सलमान ने इसके अलावा बजरंगी भाईजान और टाइगर जिंदा है से भी 300 करोड़ या उससे अधिक रुपए कमाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कलेक्शन करेगी। है बताया ये भी जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स ने जैसे ही सलमान के सामने टाइगर सीरीज का तीसरा सीक्वल बनाने की बात कही वैसे ही सलमान ने उसके लिए हाँ भर दी है। वहीं अभी टाइगर के मेकर्स ने आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से मना कर दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि तीसरे सीक्वल को लेकर अली अब्बास जफर की पूरी टीम इसकी तैयारी में जुट जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इस साल के अंत तक फिल्म की कहानी को तैयार कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि टाइगर सीरीज की पहली फिल्म एक था टाइगर साल 2012 में आई थी। इसके बाद पिछले साल टाइगर जिंदा है रिलीज हुई। दर्शकों को सलमान और कैटरीना कैफ की ये फिल्म काफी पसंद आई। दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला। रेस 3 के बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के बाद सलमान खान ने अपनी हिट फ्रेंचाइजी एक था टाइगर सीरीज की तीसरी कड़ी बनाने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने फिल्म बनाने के लिए हामी भर दी है। बता दें टाइगर जिंदा है की 2 सीरीज सफल रही है, ऐसे में इसकी तीसरी कड़ी का फैंस को भी इंतजार है। टाइगर की नई कड़ी की कहानी क्या होगी इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन ये तय है कि एक बार फिर सलमान खान इस जासूसी ड्रामा फिल्म में टाइगर का किरदार निभाएंगे। सलमान इन दिनों भारत फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसके बाद दबंग 3 की शूटिंग की तैयारी में हैं। इन दोनों फिल्मों के शेड्यूल पूरे होने के बाद सलमान टाइगर की नई कड़ी में जुड़ेंगे। बता दें कि पिछली दोनों ही फिल्मों में सलमान के साथ कैटरीना कैफ ही लीड एक्ट्रेस थी और इन दोनों की जोड़ी ने खूब धमाल मचाया था। ऐसे में संभव है कि इस सीरीज की तीसरी फिल्म में भी ये दोनों स्टार्स एक साथ पर्दे पर दिख सकते हैं। कैटरीना सलमान की जोड़ी इंडस्ट्री में हिट है, यही वजह है कि टाइगर जिंदा है के गाने स्वैग से स्वागत ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। सलमान की फिल्म टाइगर जिंदा है का सॉन्ग स्वैग से स्वागत बहुत ही पॉपुलर हुआ। स्वैग से स्वागत बॉलीवुड की हिस्ट्री में यूट्यूब पर 500 मिलियन व्यूज मिलने वाला पहला सॉन्ग बन गया है। बता दें कि आज तक किसी भी इंडियन सॉन्ग को YouTube पर 500 मिलियन व्यूज नहीं मिले हैं। सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने रिलीज होने के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्म ने कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। फिल्म ने 6 दिनों के अंदर 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। सलमान खान के फैंस के अंदर उनकी दीवानगी अभी भी खत्म नहीं हुई है। ईद पर इसी साल रिलीज हुई सलमान की ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, मगर टाइगर जिंदा है ने इसकी भरपाई कर दी है। पहला रिकॉर्ड टाइगर जिंदा है ने पहले ही दिन 33.75 करोड़ की कमाई की है। ये रिकॉर्ड इससे पहले आमिर खान की धूम 3 के नाम था। दूसरा रिकॉर्ड बॉलीवुड के दबंग खान 100 करोड़ क्लब के बादशाह माने जाते हैं। टाइगर जिंदा है भी इस क्लब में शामिल हो चुकी है। यही नहीं बल्कि सबसे तेजी से 150 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन चुकी है। तीसरा रिकॉर्ड अक्सर देखा जाता है रिलीज होने के बाद हर बढ़ते दिन फिल्म के कलेक्शन में गिरावट आती है, मगर ये बातें टाइगर जिंदा है के साथ लागू नहीं होती हैं। फिल्म ने तीसरे दिन 45.53 करोड़ की कमाई की जो किसी भी फिल्म द्वारा रिलीज के तीसरे दिन अभी तक नहीं की गई। चौथा रिकॉर्ड टाइगर जिंदा है रिलीज के बाद हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म 3 दिन के वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है। पांचवा रिकॉर्ड क्रिसमस के चलते वीकेंड और लंबा हो चला। फिल्म इस लंबे वीकेंड का फायदा उठाने में नहीं चूकी। फिल्म 4 दिन के वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। टाइगर जिंदा है पूरी तरह से सलमान खान की फिल्म है और जो उनको चाहने वाले हैं उनको इस फिल्म से किसी भी तरह की निराशा नहीं होगी। उनकी पिछली फिल्म ट्यूबलाइट की नाकामी को इस बार उनके फैंस पूरी तरह से भुला देंगे। लेकिन यहाँ पर ये कहना जरूरी हो जाता है कि फिल्म सलमान के फैंस को ही लुभाएगी, बाकी लोगों के बारे में ये बात कहना थोड़ा मुश्किल होगा। टाइगर जिंदा है पूरी तरह से एक कमर्शियल फिल्म है। जाहिर सी बात है कि लॉजिक को कई बार बगल में रखा जाता है। अगर एक मिशन में रॉ और ISI के एजेंट एक साथ मिलकर उसको अंजाम दे सकते हैं तो इस फिल्म में कल्पना की उड़ान किस हद तक भरी गई है इस बात का अंदाजा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। एक सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में सिर्फ इसके आधार को छोड़कर सभी कुछ काल्पनिक है। अब आते हैं इसकी स्टोरी पर। इस फिल्म की कहानी टाइगर के बारे में है जो
जो क्यूबा मिशन पूरा करने में ऑस्ट्रिया की बर्फीली वादियों में अपने परिवार के साथ शांत जिंदगी बिता रहा है। अब वो एक 8 साल के बच्चे का बाप भी बन चुका है। जब इराक के इरकिट शहर में ISC के आतंकवादी 40 नर्सेज को एक अस्पताल के अंदर बंधक बना लेते हैं, तब टाइगर का मिशन शुरू हो जाता है। नर्सेज के ग्रुप में कुछ एक पाकिस्तानी भी हैं, लिहाजा ये पूरा आगे चलकर मिशन रॉ और ISI का जॉइंट मिशन बन जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि टाइगर इस मिशन में सभी परेशानियों के ऊपर फतेह पाकर नर्सेज को वहां से छुड़ा लेता है और देश की लाज रखता है। तेजी से आगे बढ़ती कहानी, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की ये फिल्म आपके धीरज का कई बार इम्तिहान लेगी, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म आपको ज्यादा बोर नहीं करती है, क्योंकि इस फिल्म की घटनाओं का घटनाक्रम काफी तेजी से चलता है। अगर ये फिल्म किसी वजह से देखने लायक है तो वो निश्चित रूप से इसके प्रोडक्शन क्वालिटी की वजह से, जो जाहिर सी बात है इसके बजट की वजह से ही आता है। धमाकेदार है फिल्म के एक्शन। फिल्म देखते वक्त वाकई में इस बात का एहसास होता है कि आप एक रेस्क्यू मिशन देख रहे हैं। निर्देशक अब्बास अली जफर की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि इतने बड़े स्केल पर उन्होंने फिल्म बनाने की सोची और उसको एक अच्छा दिखने वाला रूप दिया। हिंदी फिल्मों के इतिहास में इससे पहले हम कई जासूसी वाली फिल्म देख चुके हैं, उसके मुकाबले इस फिल्म का कद काफी ऊंचा है। हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर, विदेशों में जिस तरह से स्पाई फिल्मों को बनाने का ढर्रा होता है, ये उसके काफी करीब है। लेकिन परेशानी इस बात की है कि आखिरकार टाइगर जिंदा है एक बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्म है, इसलिए लॉजिक को कहीं ना कहीं तो गोली मारनी ही पड़ेगी। दिल दहला देने वाले एक्शन सीक्वेंस, टाइगर को फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उनके एक एक्शन सीक्वेंस में उनकी भिड़ंत एक खूंखार भेड़िए से होती है। अब पेपर पर इस बात में काफी दम लगता है, लेकिन इस सीन को फिल्माते वक्त निर्देशक इसमें जान नहीं डाल पाए। फास्ट कट्स और कैमरा मूवमेंट से आप किसी भी सीन में जान नहीं डाल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ फिल्म में कुछ एक सीक्वेंसेस ऐसे भी बन पड़े हैं जिसको देखने के बाद आपके मुंह से वाहवाही निकलती है। जब सलमान अपने हिंदुस्तानी एजेंट से मिलते हैं और वहीं पर एक बच्चा ह्यूमन बम के रूप में मिलता है, तब उसको बचाने के बाद जो एक्शन शुरू होता है वो काबिले तारीफ है। अगर बात करते हैं अभिनय की, तो सलमान खान के बारे में यही कहूंगा कि वो अपनी पिछली फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में काफी सुधरे हुए नजर आते हैं। फिल्म के कई सीन्स में स्लिप वॉक कर जाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है और टाइगर जिंदा है कोई अपवाद नहीं है। एक्शन सीन्स में वो विश्वसनीय लगते हैं, लेकिन कटरीना कैफ इस फिल्म में बाकी कलाकारों के मुकाबले पूरी तरह से उभर कर सामने आती हैं, बावजूद इसके कि उनका रोल इस फिल्म में इतना बड़ा नहीं है। उनके एक्शन सीन्स कमाल के हैं और उनकी मेहनत साफ नजर आती है। महज उनके एक्शन अंदाज को देखकर आपका पैसा वसूल हो जाएगा। अंगद बेदी और कुमार मिश्रा सलमान की टीम के सदस्य हैं और उनका काम भी ठीक है। अब्बू उस्मान के रोल में सज्जाद डेलफ्रूज हैं और उनका काम भी काफी सदा हुआ है। और अब एक नज़र इस साल की सफल फिल्मों पर। पद्मावत 300 करोड़, पैडमैन 80 करोड़, सोनू के टीटू की स्वीटी 101 करोड़, रेड 98 करोड़, हिचकी 47 करोड़, बागी 2 161 करोड़, अक्टूबर 41 करोड़, 102 नॉट आउट 43 करोड़, राजी 122 करोड़, परमाणु 65 करोड़, वीरे दी वेडिंग 80 करोड़, रेस 3 165 करोड़ और संजू अनुमानित 350 से 375 करोड़। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप भी सलमान के साथ कटरीना कैफ को ही टाइगर जिंदा है के तीसरे सीक्वल में देखना चाहते हैं? अगर हम बात करते हैं टाइगर जिंदा है के पहले सॉन्ग स्वैग से करेंगे सबका स्वागत की, तो एक हफ्ते के जमकर प्रमोशन के बाद आखिरकार अपकमिंग फिल्म टाइगर जिंदा है का ये सॉन्ग रिलीज कर दिया था। रिलीज के 24 घंटे के भीतर इस ट्रेलर को 29 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे, जो अपने आप में ही रिकॉर्ड तोड़ है। मेकर्स ने दावा किया था कि टाइगर जिंदा है ने पिछले सभी फिल्मों के ट्रेलर व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डायरेक्टर अली अब्बास जफर की ये फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज हो गई थी। क्यों है ये सॉन्ग इतना खास? फिल्म के एक क्रू मेंबर के मुताबिक इस गाने से ही फिल्म के शूट को रैप अप किया गया था। इस गाने के लिए दिन में हम जी जान से मेहनत करते थे और शाम को सलमान कैटरीना के साथ जमकर पार्टी करते थे, जिसमें बेहतरीन म्यूजिक भी शामिल होता था। तो असल में ये गाना हमारी पूरी शूटिंग टीम के लिए एक पार्टी थी, जिसका पूरा क्रेडिट सलमान और कैटरीना को जाता है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ टाइगर जिंदा है के बारे में। टाइगर जिंदा है सीक्वल है एक था टाइगर की, और एक था टाइगर फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा कलेक्शन किया था। और अब बारी है टाइगर जिंदा है की। टाइगर जिंदा है इंडियन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसको लिखा है अली अब्बास जफर और नीलेश मिश्रा ने, और डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने।
निलेश मिश्रा, एक इंडियन जर्नलिस्ट, ऑथर, रेडियो स्टोरी टेलर, स्क्रिप्ट राइटर और लिरिकिस्ट हैं। निलेश जाने जाते हैं अपने रेडियो शो यादों का इडियट बॉक्स विद निलेश मिश्रा ऑन बिग एफएम 92.7। ये को-फाउंडर एडिटर हैं गॉन कनेक्शन इंडिया रूरल न्यूज़पेपर। अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान मूवी डायरेक्ट की थी सलमान के साथ। टाइगर जिंदा है सीक्वल है फिल्म एक था टाइगर की, जो 2012 में रिलीज हुई थी, और ये फिल्म टाइगर की सेकंड इंस्टॉलमेंट है। टाइगर जिंदा है में सलमान खान, कैटरीना कैफ और सज्जाद डेला फ्रूज लीड रोल में हैं। सलमान खान, ये नाम तो सब जानते हैं, लेकिन सलमान खान का रियल नेम बहुत कम लोग जानते हैं। सलमान का रियल नेम है अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान। सलमान खान और कैटरीना कैफ 5 साल बाद हमें फिर से एक साथ देखने को मिलेंगे। इससे पहले इन दोनों ने एक साथ एक था टाइगर फिल्म की थी 2012 में। फिल्म में सज्जाद डेला फ्रूज विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं। सज्जाद एक ईरानियन एक्टर हैं और शादीशुदा हैं। इससे पहले सज्जाद बेबी फिल्म में डॉक्टर के रोल में नजर आए थे। अब देखना यह है कि फिल्म में आगे क्या होता है और एक इंडियन टाइगर के सामने कितना टिक पाता है ईरानियन टाइगर। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। सलमान खान और कैटरीना कैफ 5 साल बाद फिर से एक साथ आ रहे हैं अपनी पांचवी कोलैबोरेशन को लेके। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ट्रेलर देख के लगता है कि फिल्म एक था टाइगर के मुकाबले फिल्म में डबल फन और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। फिल्म में एक्शन, रोमांस और भाईजान के दमदार डायलॉग्स भी सुनने को मिलेंगे। ट्रेलर से पता चल रहा है कि फिल्म की स्टोरी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और स्टोरी है उन 25 नर्सों की जिसे अबू इस्मान ने किडनैप कर लिया था। तो बात आती है कि छुड़ा के लाएगा कौन, तो नाम आता है टाइगर यानी कि सलमान खान का। फिल्म की स्टोरी टोटली फ्रिक्शन है क्योंकि असल में उन 25 नर्सों को छोड़ दिया जाता है, कोई बचाने नहीं जाता, लेकिन फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ बचाने जाते हैं। ट्रू इवेंट में ये था कि 25 नर्सों को ISI ने टिक्रिक इराक में एब्यूडेंट किया था और बाद में छोड़ दिया था, और इसी स्टोरी लाइन पे मलयालम की फिल्म टेक ऑफ बनी है। टेक ऑफ एक इंडियन ड्रामा थ्रिलर फिल्म थी जिसको लिखा है महेश नारायण और PV ने और डायरेक्ट किया है महेश नारायण ने। फिल्म की स्टोरी ट्रू स्टोरी बेस्ड है और ये बात है 2014 की, जब नर्सों को एब्यूडक्शन किया गया था टिक्रिक इराक में। महेश नारायण इस फिल्म से अपना पहला डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म का बजट था 25 करोड़ और ये फिल्म 24 मार्च 2017 को रिलीज हुई थी। सलमान की एंट्री और एक्शन, इट्स अमेजिंग। मुझे जहां तक लगता है कि मैंने सलमान खान को इतने इंटेंस लुक में पहले कभी नहीं देखा। ट्रेलर में सलमान और कैटरीना दोनों ही एक्शन करते नजर आ रहे हैं। ट्रेलर देख के लगता है कि हमें फिर से एक बार एक्शन देखने को मिल सकता है। एक था टाइगर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लेकिन पब्लिक को टाइगर जिंदा है से और हाई एक्सपेक्टेशन है। फिल्म की रिलीज से पहले ही टाइगर जिंदा है ने पद्मावती को पछाड़ दिया है। टाइगर जिंदा है ने पद्मावती को ट्रेलर व्यूज में पीछे कर दिया है। टाइगर जिंदा है का ट्रेलर व्यूज 24 घंटे में 20 मिलियन से ज्यादा था और फेसबुक और यूट्यूब को मिलाकर ट्रेलर को लगभग 30 मिलियन व्यूज मिले हैं, जो कि एक न्यू रिकॉर्ड है बॉलीवुड के लिए। फिल्म के ट्रेलर ने ऐसे बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जैसे कि ट्रेलर बन गया है सबसे ज्यादा लाइक्स पाने वाला यूट्यूब वीडियो। 24 घंटे में 6.5 लाख लाइक्स मिले हैं यूट्यूब पे। यही नहीं बल्कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा कमेंट्स आए हैं। यही नहीं बल्कि ट्विटर और फेसबुक पे भी ट्रेलर ने रिकॉर्ड बनाया है, जैसे कि फेसबुक पे 2 लाख से अधिक शेयर मिले हैं 24 घंटे में। और भी बहुत से रिकॉर्ड है इस ट्रेलर के नाम। फिल्म के ट्रेलर को 24 घंटे में 6.5 लाख लाइक मिल चुके हैं, जिसने बाहुबली के हिंदी ट्रेलर को पीछे कर दिया है। सलमान खान की फिल्मों में से ये पहली फिल्म है जिसका ट्रेलर 24 घंटे में 30 मिलियन गया है, मतलब कि सलमान ने अपने सभी पिछले मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ा है। टाइगर जिंदा है का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों की बेसब्री को और बढ़ा दिया है। मंगलवार को जैसे ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, वैसे ही एक सोशल मीडिया पर नंबर 1 पोजीशन पर ट्रेंड करने लगा और मेकर्स का ये दावा है कि टाइगर जिंदा है ने पिछले सभी फिल्मों के ट्रेलर व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टाइगर जिंदा है का ट्रेलर धमाकेदार एक्शन से भरा हुआ है, जिसमें सलमान खान गोलीबारी, घुड़सवारी, दिमागी खेल, कैटरीना के साथ रोमांस और जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं। फिल्म में एक्शन तो है ही, लेकिन फिल्म में एक सीन में सलमान बर्फीली पहाड़ियों में वुल्फ से भी लड़ते नजर आएंगे। दिसंबर में 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही थी, टाइगर जिंदा है और पद्मावती, लेकिन पद्मावती की रिलीज डेट शिफ्ट हो गई है विवादों के चलते। पद्मावती एक इंडियन पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा है संजय लीला भंसाली ने
और डायरेक्ट किया है संजय लीला भंसाली ने। पद्मावती में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर लीड रोल में हैं। पिछले महीने फिल्म पद्मावती का ट्रेलर रिलीज हुआ था और 24 घंटे में ट्रेलर को सिर्फ 15 मिलियन ही व्यूज मिले हैं। वही 24 घंटे के अंदर सलमान की फिल्म ने पद्मावती के ट्रेलर से 2 गुने व्यूज पाए हैं। इस लिहाजा से देखा जाए तो टाइगर जिंदा है ने ट्रेलर के मामले में शाहिद, दीपिका और रणवीर की फिल्म को पछाड़ दिया है। पद्मावती काफी चर्चे में थी, कभी कास्ट को लेके तो कभी सेट पे हुए हंगामे को लेके, और आए दिन पद्मावती से रिलेटेड न्यूज सुनने को मिलता रहता है। फिल्म में इन्वॉल्वमेंट से बहुत से एक्टर्स ने मना कर दिया है, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान और भी बहुत से। फिल्म इंडस्ट्री के लोग काफी नाराज है जो भी फिल्म को लेके विरोध हो रहा है, लेकिन सभी फिल्मी जगत के महान हस्ती भंसाली के सपोर्ट में है। टाइगर जिंदा है में और पद्मावती में एक कॉमन बात है, दोनों ही फिल्म में अनुप्रिया नजर आएंगी। पद्मावती में रानी नागमती के किरदार में, टाइगर जिंदा है में एक नर्स के किरदार में। सलमान ने फिल्म के एक्शन सीन के बारे में खुलासा किया कि फिल्म के एक्शन सीन को डिजाइन करने के लिए हॉलीवुड की टीम टॉमस थ्रूथर की हेल्प ली गई है, ताकि एक्शन सीन्स को एक अलग लेवल मिल सके। फिल्म में घोड़े, टैंक और बड़े हथियार यूज किए गए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि आर्मी मिलिट्री की ड्रॉपबैक भी है। टॉमस थ्रूथर एक एक्शन डायरेक्टर है और एक्शन सीन्स के लिए बहुत मशहूर भी हैं। उन्होंने इंसेप्शन, बैटमैन डार्क नाइट और भी बहुत सी फिल्में डायरेक्ट की हैं। ट्रेलर में सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि रोमांस भी देखने को मिलेगा हमें सलमान और कैटरीना का। ट्रेलर में एक सीन में सलमान खान हॉर्स राइडिंग करते हैं और उस घोड़े का नाम है वाडो, जो कि एक हाईली ट्रेन और हाईली स्किल घोड़ा है। सलमान के मोरक्को में शूट का शेड्यूल था 11 दिन और उसी में सलमान को घोड़े से दोस्ती करनी थी और उसके साथ स्टंट करना था, और सलमान ने केवल 3 दिन में ही घोड़े से दोस्ती कर ली। टाइगर जिंदा के ट्रेलर की चर्चा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद हॉलीवुड के रैम्बो सिल्वेस्टर स्टैलोन ने ट्वीट करके कहा कि वो बहुत इंप्रेस्ड है एक्शन सीन्स देख के। सिर्फ वही नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार भी काफी इंप्रेस्ड है सलमान के एक्शन से। फिल्म के प्रमोशन के लिए सलमान के फैन ने भी सलमान की हेल्प की है। फैन के पास एलईडी टीवी का शोरूम है और दिन भर शोरूम में ट्रेलर चलता रहता है। अब जो भी आता है ट्रेलर जरूर देखता है, तो सलमान के फैंस ऐसे कर रहे हैं सलमान की फिल्म का प्रमोशन। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों रॉ एजेंट हैं। फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट है कि सलमान जो कि इंडियन रॉ एजेंट है और कैटरीना जो कि पाकिस्तानी रॉ एजेंट है, दोनों मिलकर साथ काम करते हैं अपने अपने तरीके से। अब देखना ये होगा कि ये लोग कब और कहां कैसे मिलते हैं और कैसे दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, या फिर फिल्म में आगे क्या होता है, अब ये तो नेक्स्ट ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म में सलमान खान पहली बार बीयर्ड लुक में नजर आएंगे और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सलमान ने अपना वेट लूज किया है, इसलिए सलमान पहले से यंग और डैशिंग लग रहे हैं। सलमान के फैंस का मानना है कि जो उन्हें नॉन मैचों के अवतार में स्वीकार करने में असमर्थ थे, तो ट्यूबलाइट के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन ने सबको ये दिखा दिया है कि भाई नॉन मैचों के अवतार में भी हिट थे। टाइगर ने अपने फैंस के लिए किया वादा कि वो इस बार हाई ऑक्टेन स्टंट के साथ आएंगे। टाइगर जिंदा है 5 देशों में शूट हुई है, इंडिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, अबू धाबी, पेरिस और मोरक्को। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक था टाइगर भी 5 देशों में ही शूट हुई थी, जैसे कि इंडिया, टर्की, रीलैंड, क्यूबा और थाईलैंड में। फिल्म का पहला शूट लोकेशन था ऑस्ट्रिया के ट्रायोल में, और सलमान खान की युवराज मूवी का भी पहला शूट लोकेशन था ऑस्ट्रिया ट्रायोल। सलमान ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही फिल्म के लिए हाँ कह दिया जब उन्हें पता चला कि ये फिल्म एक था टाइगर की सीक्वल है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ को काफी स्टंट सीक्वेंसेस करने पड़ रहे हैं और इसीलिए दोनों कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के वक्त सलमान ने बताया कि मुझे कैटरीना के साथ काम करके मजा आ रहा है। कैटरीना अपने रोल को प्रिपेयर करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रही है और फिल्म में मैक्सिमम स्टंट वो खुद कर रही है। मिड डे न्यूज की बात माने तो अलिया बाज जफर को सलमान और कैट पर पूरा भरोसा है कि अगर फिल्म में ये दोनों रहे तो फिल्म जरूर सुपर डुपर हिट जाएगी। फिल्म में सलमान खान 125 करोड़ फीस ले रहे हैं और वही कैटरीना कैफ 20 करोड़ और फिल्म के डायरेक्टर अलिया बाज जफर 5 करोड़ फीस ले रहे हैं। इस फिल्म की रिलीज डेट है 22 दिसंबर। फिल्म में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर ने और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस पैकियम ने। टाइगर जिंदा को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा और प्रेजेंट कर रहे हैं YRF, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई YRF। फिल्म में टोटल 5 सॉन्ग है। फिल्म का हाल ही में एक सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसका नाम है स्वैग से करोगे सबका स्वागत। स्वैग से करोगे सबका स्वागत को लिखा है इरशाद और कामिल शेखर ने और गाया है विशाल डडलानी और नेहा भासिन ने। स्वैग से करोगे सबका स्वागत का शूट ग्रीस में हुआ था
और इस अकेले गाने का बजट काफी हाई है। स्वैग से करोगे सबका स्वागत में सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है वैभवी मर्चेंट ने। बॉलीवुड हिस्ट्री में पहली बार सलमान खान ने सब जीरो डिग्री पे फाइट सीन शूट किया है। फिल्म में रियल मिलिट्री वेपन्स यूज किए गए हैं और एक फाइट सीन में सलमान खान MG42 के साथ दिखाए गए हैं, जिसका वेट है 25 से 30 किलो। मूवी के लिए सलमान खान ने 20 किलो वेट लूज किया है अपना। फिल्म के लिए कैटरीना ने स्पेशली स्वॉर्ड सीखा है एक्शन सीक्वेंसेस के लिए। सलमान की ये सेकंड फिल्म थी यशराज प्रोडक्शन के साथ और सलमान की पहली फिल्म थी एक था टाइगर। फिल्म में सलमान खान ने 125 करोड़ रुपए लिए हैं और इसी के साथ सलमान बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं। टाइगर जिंदा है इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है और इसी की वजह से आगे का रास्ता पूरा साफ रखा गया था, लेकिन सलमान खान से टक्कर लेने के लिए हॉलीवुड के पूर्व रेसलर ड्वेन जॉनसन सामने आ रहे हैं। ड्वेन जॉनसन एक एक्टर, प्रोड्यूसर और प्रोफेशनल रेसलर हैं। ड्वेन जॉनसन अपनी फिल्म जुमांजी वेलकम टू द जंगल लेके आ रहे हैं। जुमांजी की रिलीज डेट है 29 दिसंबर और टाइगर जिंदा है की रिलीज डेट है 22 दिसंबर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन किस पे भारी पड़ेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। फिल्म को आने में अभी एक महीना है और अभी से फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है और मुझे जहां तक लगता है कि स्टार्टिंग का एक वीक हाउस फुल जाएगा। वैसे आपको बता दें कि फिल्म की बुकिंग सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही शुरू की गई है। सलमान है मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड स्टार, ऑल ओवर में सलमान के सबसे ज्यादा चाहने वाले हैं और इस लिस्ट में बाहुबली के सक्सेस के बाद प्रभास 7वें नंबर पर आते हैं। अपनी फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनाने में सलमान कोई भी कमी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बता दूं कि फिल्म में सलमान का कोई भी डांस नहीं होगा। ट्यूबलाइट के फ्लॉप के बाद लोगों को लगता है कि सलमान को इस उम्र में डांस सूट नहीं करता और सलमान इस बात को लेकर काफी सीरियस है। उनके आने वाली किसी भी फिल्म में हमें सलमान का डांस देखने को नहीं मिलेगा। सूत्रों की माने तो सलमान ने डायरेक्टर अली अब्बास जफर को पहले ही मना कर दिया था कि फिल्म में कोई भी इंटीमेट सीन नहीं होना चाहिए। सलमान नहीं चाहते कि फिल्म में इंटीमेट सीन की वजह से या किसी भी सीन की वजह से दर्शकों का ध्यान भटके। वो चाहते हैं कि दर्शक फिल्म के प्लॉट पर ज्यादा ध्यान दे। फिल्म का सबसे लंबा शेड्यूल था अबू धाबी में और वो था 65 दिन का और ये हिंदी फिल्म्स के लिए सबसे लंबा शेड्यूल है। वाडो के एक फिल्म का चार्ज है 2 करोड़ रुपए और इसने बहुत से हॉलीवुड फिल्मों में स्टंट्स किए हैं। सलमान खान के फैंस के लिए क्या है फिर से गुड न्यूज? टाइगर जिंदा है का सीक्वल कब रिलीज होगा? टाइगर जिंदा है सीक्वल फिल्म का नाम क्या होगा? फिल्म की स्टोरी क्या होगी और बॉलीवुड की वो पहली कौन सी मूवी थी जिसका सीक्वल बना था? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, सलमान खान की तरफ से एक गुड न्यूज है उनके फैंस के लिए। आप सभी को 2012 में आई फिल्म एक का टाइगर तो याद होगा ही। फिल्म में थे सलमान खान और कैटरीना कैफ। उसके बाद उस फिल्म का सुपरहिट ब्लॉकबस्टर सीक्वल टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है सलमान खान की मोस्ट पॉपुलर फिल्मों में से एक है। ताबड़तोड़ एक्शन से सजी इन फिल्मों में सलमान खान ने रॉ एजेंट का रोल निभाया था। यशराज की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी। अब इसी फ्रेंचाइजी से जुड़ी एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर होश ना उड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन खुशी तो जरूर होगी। नई फिल्में कम बन रही हैं लेकिन सीक्वल्स एक के बाद एक रिलीज होते जा रहे हैं। जैसे कि अभी रेस 3 को ही देख लेते हैं और फिर गोलमाल, राउडी राठौर 2, हाउसफुल 4 और भी बहुत सी। अब ऐसे में सलमान खान कैसे पीछे रहेंगे? लेकिन क्या आपको याद है कि वो पहली मूवी कौन सी थी जिसका सीक्वल बना था? शायद नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वो फिल्म थी हंटर वाली 1935। उसके बाद आई हंटर वाली की बेटी 1943, मतलब की 8 साल बाद। फिल्म में लीड रोल में थी फियरलेस नादिया। ये एक ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी जिनका नाम था मैरी एन इवांस, जो की 5 साल की उम्र में 1913 में अपने फादर के साथ इंडिया आई थी, लेकिन वापस चली गई। उसके पीछे एक लंबी कहानी है और वो है वर्ल्ड वॉर की। तो उस टॉपिक पे ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। 1915 में वापस जाने के बाद 1928 में दोबारा इंडिया आई। उन्होंने अपना नाम बदल कर नादिया रखा। हंटर वाली के बाद फिल्म आई जेवल थीफ 1967 और सीक्वल था रिटर्न ऑफ जेवल थीफ 1996। उसके बाद सीक्वल आते गए जैसे कि अखियों के झरोके, डॉन, नागिन और भी बहुत सी। तो हम बात कर रहे थे टाइगर जिंदा है की और सलमान खान की। ये फिल्म टाइगर जिंदा है 2017 के एंड में रिलीज हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस में काफी कामयाब फिल्म थी। टाइगर जिंदा है के बाद फैंस इसके सीक्वल की भी मांग करने लगे और बड़ी बेसब्री से इंतजार
इंतजार करने लगे। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस 3 के प्रमोशन के दौरान सलमान खान से जब पूछा गया कि क्या उनके हिट फिल्म टाइगर जिंदा है का सीक्वल भी बनने जा रहा है, तो इस पर सलमान खान ने कहा कि उन्होंने फिल्म की कहानी सुनी है और उन्हें बहुत पसंद आई है, लेकिन अभी इस फिल्म में टाइम लग जाएगा। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जो बैक टू बैक फिल्म्स करने में बिजी हैं, जैसे कि रेस 3, भारत, डांसिंग डैड, दबंग 3 और उसके बाद किक 2। इन फिल्मों के बाद कहीं टाइगर जिंदा है का सीक्वल बनने का चांस है। सलमान खान कितने मजाकिया हैं वो तो हम सभी जानते हैं। सलमान खान से जब उस फिल्म का नाम पूछा गया तो उन्होंने फिल्म का नाम भी बता दिया। सलमान खान ने कहा कि टाइगर जिंदा है के सीक्वल का नाम जोया जिंदा है। अब चाहे आप इसे सलमान खान का मजाक समझकर मुस्कुरा ले या फिर उनके इशारों को समझ ले, मजाक मजाक में ही सही, उन्होंने ये तो बता दिया कि सीक्वल बन सकता है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यशराज फिल्म्स की ओर से फिल्म के सीक्वल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होती है। बात करें कि फिल्म की स्टोरी क्या हो सकती है। आपको याद होगा कि टाइगर जिंदा है के आखिरी हिस्से में जोया यानी कि कैटरीना कैफ की मौत दिखाई गई थी। सभी लोग जोया को मरा हुआ मान लेते हैं, जबकि लास्ट में हम देखते हैं कि असल में सलमान खान जोया को बचा लेते हैं और उसे छिपा कर रखते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहीं से टाइगर जिंदा है के सीक्वल की कहानी आगे बढ़ सकती है। लेकिन और नया क्या हमें देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे में फैंस के मन में भी बहुत से सवाल उठ रहे होंगे इस फिल्म को लेके कि इस फिल्म में क्या सलमान खान और उनकी टीम फिर से किसी मिशन पे जाएंगे, और अगर जाएंगे तो मिशन क्या होगा। क्या फिर से इस फिल्म में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक होकर एज अ टीम काम करेगी। सवाल तो ऐसे बहुत से हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब वक्त आते आते क्लियर करेंगे। बात करें सलमान खान की तो सभी जानते हैं कि सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म रेस 3 के प्रमोशन में बिजी हैं और रेस 3 15 जून को रिलीज हो रही है। फिल्म को रिलीज होने में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। अब ऐसे में ये फिल्म अपने पहले दिन कितने का कलेक्शन करती है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, ये भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। ऐसे में आपका क्या कहना है फिल्म के बारे में और कलेक्शन के बारे में। आज हम आपको टाइगर जिंदा है के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहते हैं। टाइगर जिंदा है एक इंडियन स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा है आदित्य चोपड़ा ने और डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने। अली अब्बास जफर ने प्रॉमिस किया है कि इस बार टाइगर और जोया की स्टोरी बड़ी और बेहतर होगी। अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान मूवी डायरेक्ट की थी सलमान खान के साथ। फिल्म टाइगर जिंदा है सीक्वल है एक था टाइगर की जो 2012 में आई थी, और ये फिल्म टाइगर फिल्म की सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। टाइगर जिंदा है में सलमान खान, कैटरीना कैफ, परेश रावल और सुदीप लीड रोल में है। सलमान खान और कैटरीना कैफ 5 साल बाद हमें फिर से एक साथ देखने को मिलेंगे। इससे पहले इन दोनों ने एक साथ एक था टाइगर फिल्म की थी 2012 में, और पब्लिक इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड है। इस फिल्म में 5 साल बाद एक्स लवर एक साथ देखने को मिलेंगे। इस फिल्म में सुदीप संजीव नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। सुदीप संजीव एक इंडियन एक्टर, फिल्म मेकर और टेलीविजन प्रेजेंटर, ये जाने जाते हैं अपने कन्नड़ सिनेमा की वजह से। सिर्फ कन्नड़ ही नहीं बल्कि तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्म्स के लिए भी जाने जाते हैं। सुदीप को अपनी फिल्म हुच्चा, नंदी और स्वाति मुथु के लिए लगातार 3 वर्षों तक फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कर्नाड का अवार्ड मिला है, और सुदीप बिग बॉस रियलिटी शो होस्ट करते हैं कन्नड़ वर्जन में। और इस फिल्म में साइड रोल में है गिरीश कर्नाड, अंगद बेदी, कुमुद मिश्रा, नवाब शाह। बरसों से सलमान खान बॉलीवुड के लार्जर देन लाइफ हीरो के प्रतीक बन गए हैं। फैंस का मानना है कि उनके बिलव भाई ने दर्जनों को अकेले ही हराया है, जो उन्हें नॉन मैचों के अवतार में स्वीकार करने में असमर्थ है। तो ट्यूबलाइट के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन ने सबको दिखा दिया है कि भाई नॉन मैचों के अवतार में भी सुपर हिट है। सलमान खान की अगली फिल्म है टाइगर जिंदा है, और टाइगर ने अपने फैंस के लिए प्रॉमिस किया है कि ही इज कमिंग विद हाई ऑक्टेन स्टंट्स। इस मूवी के कुछ सीन शूट हुए हैं ऑस्ट्रिया, अबू धाबी और पेरिस में। ऑस्ट्रेलिया का शूट पूरा हो गया है और पूरी फिल्म शूट करने के लिए टाइगर की टीम दुनिया की ग्लोबल ट्रॉट कर रही है। इस बात को जान के आपको हैरानी होगी कि इस फिल्म को करने के लिए सलमान खान ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही हाँ कह दिया। जब उन्हें बताया गया कि फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल बन रहा है तो सलमान खान ने बिना कुछ सोचे समझे ही हाँ कह दिया। इस मूवी के लिए सलमान खान को अपना वेट लॉस करना पड़ा क्योंकि इस फिल्म की डिमांड थी एक लीन लुक कैरेक्टर की, तो सलमान खान ने जिम शुरू कर दिया है वेट लॉस करने के लिए। और बैंड्रा के जिस फेमस रेस्टोरेंट में सलमान अक्सर खाना खाने जाते हैं, उस रेस्टोरेंट के शेफ से बोल दिया गया है कि जब भी सलमान आए तो उन्हें सिर्फ लो कैलोरीज वाला चिकन ही दिया जाए। इस फिल्म में जोया यानी कैटरीना कैफ को भी काफी स्टंट सीक्वेंसेस करने पड़ेंगे।
जिसके लिए कैटरीना कैफ भी कड़ी से कड़ी मेहनत कर रही हैं। और अगर हम मिड डे न्यूज की बात माने तो अली अब्बास जफर को सलमान और कैटरीना पे पूरा भरोसा है। उनका कहना है कि पोटेंशियली दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं और दोनों का ऑडियंस कनेक्शन भी बहुत अच्छा है। उनका कहना है कि ये मूवी हिट ही नहीं बल्कि सुपर डुपर हिट जाएगी। इस फिल्म में सलमान खान 125 करोड़ फीस ले रहे हैं और वहीं कैटरीना कैफ 20 करोड़ और इस फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर 5 करोड़ फीस ले रहे हैं। फिल्म का पोस्टर लॉन्च हो चुका है जिसमें सलमान खान अभी तक के एक्सट्रीम एक्शन लुक में नजर आ रहे हैं। पोस्टर देख के लगता है कि इस फिल्म में हमें फिर से एक्शन देखने को मिल सकता है। एक था टाइगर, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लेकिन पब्लिक को टाइगर जिंदा है फिल्म से और हाई एक्सपेक्टेशन है। सलमान खान ने फिल्म के एक्शन सीन्स के बारे में खुलासा किया कि फिल्म के एक्शन सीन्स को डिजाइन करने के लिए हॉलीवुड की टीम टॉम स्ट्रूथर्स की हेल्प ली है ताकि एक्शन सीन्स को एक अलग लेवल मिल सके। टॉम स्ट्रूथर एक्शन डायरेक्टर हैं और अपने एक्शन सीन्स के लिए काफी मशहूर भी, और उन्होंने इंसेप्शन, बैटमैन डार्क नाइट और भी बहुत सी फिल्में डायरेक्ट की हैं। इस फिल्म की स्टोरी अभी रिवील नहीं हुई है, लेकिन सलमान ने ये भी खुलासा किया है कि ये फिल्म एक असली घटना से प्रेरित है। इस फिल्म की रिलीज डेट है 22 दिसंबर और इस फिल्म में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर ने और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस पैकियम ने। टाइगर जिंदा है को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा और प्रेजेंट कर रहे हैं YRF, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय YRF। कितना रहा टाइगर जिंदा है का 8वें हफ्ते का कलेक्शन, कितना रहा पद्मावत का अब तक का टोटल कलेक्शन, क्या पैडमैन 100 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी इंडियन बॉक्स ऑफिस पे, ब्लैक पैंथर ने कितने का कलेक्शन किया इंडियन बॉक्स ऑफिस पे और वर्ल्ड वाइड में, और क्या टाइगर जिंदा है पीके का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। साथ ही जानेंगे बॉलीवुड हलचल और पढ़ेंगे लोगों द्वारा पूछे गए कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और उनके जवाब देंगे इस वीडियो के एंड में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। टाइगर जिंदा है का बॉक्स ऑफिस पर सफर अभी भी जारी है। फिल्म की कमाई बहुत ही धीमी हो चुकी है, लेकिन सलमान खान के फैंस के बीच फिल्म की कमाई जानने का क्रेज अभी भी बरकरार है। वैसे भी टाइगर जिंदा है सलमान खान की अब तक की सबसे कामयाब फिल्म बन चुकी है। दिलचस्प है कि सलमान खान की टाइगर जिंदा है रशिया में भी रिलीज हो चुकी है। अगर बात करें इंडियन कलेक्शन की तो फिल्म ने पहले हफ्ते कलेक्शन किया था 206 करोड़ 4 लाख का, दूसरे हफ्ते 85 करोड़ 51 लाख, तीसरे हफ्ते 27 करोड़ 31 लाख, चौथे हफ्ते 10 करोड़ 89 लाख, पांचवे हफ्ते 5 करोड़ 81 लाख, छठे हफ्ते 2 करोड़ 63 लाख, सातवें हफ्ते 89 लाख, आठवें हफ्ते 8 लाख और इस फिल्म का अब तक का टोटल नेट कलेक्शन होता है 339 करोड़ 16 लाख। और बात करें इंडियन टोटल ग्रॉसर की तो वो है 434 करोड़ 82 लाख। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने बिजनेस किया है 545 करोड़ 82 लाख। ये फिल्म 15 फरवरी को रशिया में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को सिर्फ 70 स्क्रीन्स मिले थे और वही बाहुबली द कंक्लूजन को 300 स्क्रीन्स मिले थे। देखा जाए तो रशिया इतनी बड़ी मार्केट नहीं है मूवीज के लिए, मूवीज के कलेक्शन के लिए। जो सबसे बड़ी मार्केट है मूवीज के लिए वो है चाइना और उसके बाद है इंडिया। इंडिया में लगभग 6000 स्क्रीन्स है और लगभग 2200 मल्टीप्लेक्स। रशिया में टोटल 4200 स्क्रीन्स है जिनमें सिर्फ 70 स्क्रीन्स मिले हैं टाइगर जिंदा है को। तो रशिया में पहले हफ्ते कलेक्शन किया है टाइगर जिंदा है ने 5 लाख का। क्या पीके का रिकॉर्ड टूट पाया या नहीं? तो दोस्तों बिल्कुल पीके का रिकॉर्ड टूट चुका है। अगर पीके की लैंग्वेज में बोले तो पीके का रॉन्ग नंबर लग गया है। बात करते हैं 2018 में रिलीज हुई फिल्म्स और उनके कलेक्शन की तो 2018 की सबसे पहली फिल्म थी 1921। फिल्म का बजट था 15 करोड़। फिल्म ने कलेक्शन किया 23 करोड़ 4 लाख। कालाकंडी, फिल्म ने कलेक्शन किया 11 करोड़। मुक्केबाज, फिल्म ने कलेक्शन किया 11 करोड़। माय बर्थडे सॉन्ग, कलेक्शन 80 करोड़। वोट का डायरी, कलेक्शन 1 करोड़ 26 लाख। बात करते हैं पद्मावत, पैडमैन और ब्लैक पैंथर के कलेक्शन के तो फिल्म पद्मावत ने कलेक्शन किया था 19वें दिन 3 करोड़ 75 लाख, 20वें दिन 4 करोड़ 50 लाख, 21वें दिन 2 करोड़ 50 लाख और 22वें दिन 1 करोड़ 50 लाख। और इस फिल्म का अब तक का टोटल होता है 269 करोड़ 25 लाख। पैडमैन ने पहले हफ्ते कलेक्शन किया था 63 करोड़ का। और अगर दूसरे वीक की बात करें तो फिल्म ने 13 दिन में कलेक्शन किया है 75 करोड़ 80 लाख का। और फिल्म का इंडियन ग्रॉसर कलेक्शन है 101 करोड़। बात करते हैं फिल्म ने ओवरसीज में कितना कलेक्शन किया तो इस फिल्म ने ओवरसीज में 13 दिन में कलेक्शन किया है 30 करोड़ का। अब बात करते हैं हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्लैक पैंथर की। फिल्म ने कितने का कलेक्शन किया
किया इंडिया में। तो फिल्म रिलीज हुई थी इंडिया में 16 फरवरी को और इस फिल्म का बजट था $200 मिलियन, मतलब कि लगभग 1280 करोड़। तो इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया है 4 दिनों में 22 करोड़ 60 लाख का और वर्ल्ड वाइड में लगभग 3215 करोड़ का। अब बात करते हैं बॉलीवुड हलचल की। तो अभिषेक कपूर ने कहा कि शाहरुख खान जीरो में लग रहे हैं एलियन। अभिषेक कपूर जो कि डायरेक्टर हैं केदारनाथ के और उन्होंने कई फिल्मों के बारे में नेगेटिव बोला है, जैसे कि जीरो से बेहतर है केदारनाथ। धड़क के बारे में बोला कि साउथ की मिक्सिंग है और भी बहुत सी फिल्मों के बारे में बोला इन्होंने। 60 साल की महिला बनेगी तापसी पन्नू और कृति सैनन। तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म वुमनिया जिनमें कृति सैनन भी नजर आएंगी। शाहरुख खान फैंस के लिए एक गुड न्यूज, दिसंबर में शुरू करेंगे शाहरुख खान डॉन 3 की शूटिंग। शाहरुख खान इन दिनों बिजी है जीरो में, इसलिए डॉन 3 की शूटिंग स्टार्ट होगी दिसंबर में। इरफान खान हुए बीमार और जिसकी वजह से उनके सारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होल्ड पर चले गए। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इरफान खान ठीक हो और अपने कमिटमेंट्स पूरे करें और अच्छी से अच्छी फिल्म हमें दें। बन सकती है आशिकी 3। सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपोजिट नजर आएंगी आलिया भट्ट। दीपिका को दिए थे भंसाली ने ₹500 का नोट। पद्मावत के जौहर सीन में दीपिका के बेहतरीन एक्ट से इंप्रेस होके फिल्म के डायरेक्टर ने दिए थे ₹500 दीपिका को। तो दोस्तों अब बारी है उस सेक्शन की जहां हम और आप मिलते हैं, मेरा मतलब है कि कमेंट सेक्शन की। तो सबसे पहला कमेंट है सैयद मोहम्मद का, सुपर वीडियो भाई, ओम शांति ओम का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है। दोस्त धन्यवाद कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी। और हम आपको बता दें दोस्त, फिल्म का बजट था 35 करोड़ और फिल्म ने कलेक्शन किया था 150 करोड़ का। अगला कमेंट है बबरू स्वेद, हॉलीवुड की सबसे ज्यादा बजट वाली मूवी कौन सी है। दोस्त उस फिल्म का नाम है द हॉबिट ट्रायोलॉजी। उस फिल्म का बजट है लगभग $650 मिलियन और अगर इंडियन रुपीज में देखे तो लगभग 4480 करोड़। मुस्ताफिजुर रहमान, उनका कहना है कि हमें इस तरह की बॉलीवुड खबरें देने के लिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भाई क्रिस 4 के बारे में कुछ खबर है तो जरूर बताना। दोस्त सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपको हमारा चैनल और इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं और हमारी टीम की भी यही कोशिश रहती है। दोस्त अगर बात करें क्रिस 4 की तो ये फिल्म 2020 में रिलीज होगी। अगला कमेंट है गुड खान, थैंक्स अंकित भाई। हमारे हीरो SRK की मूवी बादशाह की सीक्वल बादशाह 2 भी बननी चाहिए, वो भी न्यू मिशन के साथ, प्लीज अपडेट करें। जहीर अब्बास खान फ्रॉम पाकिस्तान, दोस्त बिल्कुल बननी चाहिए क्योंकि शाहरुख खान को ऐसे रोल में देखे हुए हमें बहुत टाइम हो चुका है। ये होगा कि कब फिल्म मेकर्स इस बात की अनाउंसमेंट करते हैं। लखन पडोलकर, टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवीज 2018, 2019 और 2020। दोस्त जहां तक फिल्म मेकर्स ने इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके हिसाब से टाइगर श्रॉफ की बहुत सी फिल्म्स आ रही हैं, जैसे कि बागी 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, रैम्बो और बागी 3। हसीब खान, दिशुम का बजट था 100 करोड़, इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 96 करोड़। दोस्त पहले तो जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके लिए शुक्रिया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत है। हम मानते हैं कि टीम से कभी कभी गलतियां हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर बार गलत हो। इस फिल्म का दिशुम का बजट है 65 करोड़, 55 करोड़ प्रोडक्शन और बाकी के 10 करोड़ जो पब्लिसिटी में लग जाते हैं, लेकिन फाइनल बजट देखे तो वो है 55 करोड़। और जैसा कि हमने कहा था कि फिल्म ने कलेक्शन किया 121 करोड़ का, तो वो भी सच है। और जो आप कह रहे हैं कि फिल्म ने इतने का मतलब कि 96 करोड़ का बिजनेस किया, तो दोस्त हम आपको बता दें कि फिल्म का इंडिया और ओवरसीज मिला के होता है 98 करोड़ 32 लाख। उसके बाद फिल्म के थिएटर राइट्स होते हैं, म्यूजिक राइट्स होते हैं और अगर उन सबको एड किया जाए तो उतना ही होगा जितना कि हमने अपने पिछली वीडियो में बताया था। आदिल हुसैन, तो ये बात करें मेरे कल की वीडियो बागी 2 के बारे में। ये कह रहे हैं कि कभी कहते हैं मुंबई और थाईलैंड में शूटिंग हुई है और कभी बहुत सारे नाम देता है। दोस्त लगता है आपने वीडियोस ध्यान से नहीं देखी, मैंने कहा है कि मैक्सिमम सीन्स मुंबई और थाईलैंड में शूट हुए हैं और बाकी जहां जहां फिल्म शूट हुई है वो लोकेशन बताई है मैंने। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वो वीडियो बागी 2 का ट्रेलर ब्रेकडाउन फिर से देखे। कैसर अब्बास, सर पद्मावत मूवी बहुत ही जबरदस्त मूवी है, क्या बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। दोस्त बिल्कुल आपने सही कहा कि पद्मावत एक जबरदस्त मूवी है, लेकिन दोस्त ये बाहुबली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। अगर पद्मावत विवाद में ना फंसती और कई लैंग्वेजेस में रिलीज होती और अगर 5000 स्क्रीन से भी ज्यादा स्क्रीन मिले होते तब थोड़े बहुत चांसेस थे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। भट्ट बिलाल बिलाल, भाई रोबोट 2 कब रिलीज होगी। सब बोल रहे हैं कि उसकी रिलीज डेट चेंज हो गया है। बिल्कुल इस फिल्म की रिलीज डेट शिफ्ट हो गई है क्योंकि अभी फिल्म बनकर तैयार नहीं हुई है और जैसी इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से ये फिल्म अगस्त के बाद ही रिलीज हो सकती है। और लास्ट कमेंट है प्रियंका सैनी का कि कमांडो 3 कब आएगी। दोस्त ये फिल्म आएगी इतना तो जरूर है और जैसा कि फिल्म मेकर्स ने इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके हिसाब से अभी स्क्रिप्टिंग हो रही है, तो जैसे ही स्क्रिप्टिंग पूरी होगी उसके कुछ समय बाद ही ये फिल्म फ्लोर पे आ जाएगी, अनुमान लगा सकते हैं 2019 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय दें और फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों ध्यान रहे हमारे
हमारी टीम आप सभी के कमेंट्स पढ़ती है और कोशिश करती है उन सभी सवालों के जवाब देने की। हम जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिनको बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह से पूछा होता है, पहले उन सबको वीडियोस में आंसर करते हैं और बाकी के क्वेश्चंस हमारी टीम जितना हो सके व्यूअर्स के कमेंट बॉक्सेस में ही आंसर करती है। एक्शन और रोमांस के तड़के से भरपूर है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है। फिल्म फ्राइडे को रिलीज हो चुकी है और कहा जाता है कि टाइगर की एक बार फिर से वापसी हुई है, तो आइए डालते हैं एक नजर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। अपने एक्शन अवतार में सलमान खान एक बार फिर दर्शकों के बीच में अपने फिल्म टाइगर जिंदा है को लेकर आ गए हैं। फिल्म का सेंट्रल पॉइंट इसका पावर पैक्ड एक्शन और देशभक्ति है। फिल्म की कहानी इस बार 40 नर्सों को बचाने के मिशन पर निकले टाइगर और जोया की है। इन नर्सों में 25 भारतीय और 15 पाकिस्तानी हैं, जिन्हें आईसिस ने बंधक बना रखा है। इस मिशन के लिए रॉ और आईएसआई एजेंट हाथ मिलाते हैं। जहां पिछली फिल्म एक था टाइगर अपने वतन से शुरू होती है, तो वहीं इस बार आतंकवाद की आग में बरसों से झुलसते सीरिया की जमीन से शुरू होती है। सलमान की ये फिल्म देखकर ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में फिल्म को क्यों रोका गया, जबकि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर पाक खुफिया एजेंसी ISI और रॉ का एक साथ एक मिशन पर निकलना और कामयाब होना सिनेमा के पर्दों पर देखना अच्छा लगता है। हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देते बेहतरीन एक्शन सीन, ऑस्ट्रिया और मोरक्को की गजब की खूबसूरत लोकेशन और एक्शन सीन्स फिल्म का प्लस पॉइंट है। सलमान का स्टाइल और उनका बदला हुआ अंदाज आपको पसंद आ सकता है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो अविनाश सिंह राठौर यानी कि सलमान खान टाइगर अब पापा बन चुके हैं और अपनी वाइफ जोया और बेटे के साथ टाइगर ऑस्ट्रिया की बर्फीली पहाड़ियों के बीच रहते हैं। लेकिन टाइगर अपने देश और रॉ को भुला नहीं पाते और इसी वजह से टाइगर अपनी मौजूदगी का संकेत नई दिल्ली में बैठे अपने बॉस शिवाय सर को भेजते रहते हैं। इस बीच IAS का मुखिया उस्मान यानी कि साजिद डेला क्रूज एक के बाद एक कई शहरों पर अपना कब्जा करता है और उन्हें बर्बाद करता है और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए और दहशत फैलाने के लिए वो कई बेगुनाह नागरिकों की हत्याएं करता है और ऐसे में अमेरिका उस्मान के बेस कैंप को तबाह करने और उस्मान सहित दूसरे आतंकियों को मारने के लिए 7 दिन बाद अटैक करने का प्लान बनाता है। उस्मान के इसी अड्डे में भारत और पाकिस्तान के करीब 40 से भी ज्यादा नर्से हैं, जो उस्मान और उसके साथी बगदादी के कब्जे में हैं। उन भारतीय नर्सों को भारत वापस लाने के लिए सिनॉय टाइगर को मिशन सौंपते हैं। टाइगर अपनी टीम के साथ जाता है। वहीं पाक खुफिया एजेंसी की खास एजेंट रही जोया खान भी IAS और उस्मान की गिरफ्त से पाकिस्तानी नर्सों को बचाने के मिशन पर सीरिया पहुंचती हैं। टाइगर के साथ रॉ की टीम और जोया के साथ ISI के 2 लोग भी यहां इन सब की मदद करने में लगे हैं। मिशन का अंजाम क्या होता है ये देखने के लिए आपको टाइगर से तो मिलना होगा। पूरी फिल्म सलमान के कंधों पर टिकी है। फिल्म के क्लाइमेक्स में सलमान शॉट उतारकर हॉलीवुड फिल्मों के एक्शन स्टारर की तरह भारी भरकम बंदूक और स्टेन गन को चला के सिंगल स्क्रीन पर जादू चला देते हैं। फिल्म में जोया का जवाब नहीं है, उनके कुछ एक्शन सीन्स काफी अच्छे हैं और लगता है ऐसे खतरनाक स्टंट सीन करने के लिए कैटरीना ने काफी मेहनत की होगी। शुरुआत में फिल्म आपको एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजर हटाने का मौका नहीं देगी, लेकिन इंटरवल के बाद न जाने क्यों फिल्म के क्लाइमेक्स को खींचा गया है। करीब 3.5 घंटे की फिल्म में एक्शन की भरमार है और अगर फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक रिलीज से पहले ही हिट हो चुका है। तो ये तो रही स्टोरी की बात, आइए जानते हैं फिल्म क्रिटिक्स ने फिल्म के बारे में क्या कहा है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श का कहना है कि टाइगर जिंदा है की कहानी में काफी सारी मजबूत चीजें हैं, जैसे शानदार कहानी, दिलचस्प स्क्रिप्ट, जबरदस्त डायलॉग, ट्रेंडी साउंडट्रैक और बेहतरीन तरीके से दिखाए गए एक्शन सीन्स। फिल्म क्रिटिक सुभ्रा गुप्ता का कहना है कि फिल्म में कुछ चीजों को बहुत बार रिपीट किया गया है और उसकी वजह से दर्शक बोर हो रहे हैं। अपने एक्शन किरदार में सलमान खान और कैटरीना कैफ काफी जच रहे हैं। कैटरीना को एक्शन करते हुए देख ये फिल्म बहुत लोगों को पसंद आएगी और अगर आप सलमान खान के फैन हैं तो 100% ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। और वहीं अगर आप पहली फिल्म से इसकी तुलना करेंगे या कुछ नया देखकर इसे देखेंगे तो शायद आप अपसेट हो सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। आज टाइगर जिंदा है का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। टाइगर जिंदा है सीक्वल है फिल्म एक था टाइगर का। एक था टाइगर फिल्म बहुत अच्छी थी और बॉक्स ऑफिस पे खूब धमाल किया था। अब बारी है टाइगर जिंदा की। इसका ट्रेलर बहुत ही पावरफुल, जबरदस्त और एक्शन से भरपूर है। ट्रेलर देख के लगता है कि ये फिल्म एक था टाइगर के मुकाबले फिल्म में डबल एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो एक्शन हो या रोमांस या फिर भाईजान के दमदार डायलॉग्स हो। ट्रेलर स्टार्ट होता है वॉइस ओवर से और उन्हीं वॉइस ओवर में एक आवाज है अंजना ओम कश्यप की। ट्रेलर से पता चल रहा है कि फिल्म की स्टोरी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और स्टोरी है उन 25 नर्सों की जिसे अबू इस्मान ने किडनैप कर लिया था और अब होता यह है कि उन्हें छुड़ाकर लाएगा कौन। तो नाम आता है टाइगर के साथ टाइगर यानी कि सलमान खान की जबरदस्त एंट्री होती है। सलमान की एंट्री का लुक और एक्शन इट्स अमेजिंग। मुझे जहां तक लगता है कि मैंने सलमान खान को
इतने इंटेंस लुक में मैंने पहले कभी नहीं देखा। ट्रेलर में सलमान ही नहीं बल्कि कैटरीना कैफ भी एक्शन करती नजर आ रही हैं। ट्रेलर देख के लगता है कि इस फिल्म में भरपूर एक्शन और रोमांस देखने को मिलेगा हमें सलमान और कैटरीना का। फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट है कि सलमान जो कि इंडियन रॉ एजेंट है और कैटरीना कैफ जो कि पाकिस्तानी रॉ एजेंट है, दोनों मिलकर साथ काम करते हैं अपने अपने तरीके से। अब देखना ये होगा कि ये लोग कब और कहां कैसे मिलते हैं और कैसे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है या फिर फिल्म में आगे क्या होता है। अब ये तो नेक्स्ट ट्रेलर या फिर हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म में सलमान खान पहली बार बियर्ड लुक में नजर आएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सलमान ने अपना वेट लूज किया है तो इसलिए भाईजान पहले से और यंग और स्मार्ट लग रहे हैं। ट्रेलर स्टार्ट होता है और हमें सबसे पहले बर्ड्स आई व्यू से इराक का एक खूबसूरत नगर दिखाई देता है। ट्रेलर में अगले सीन में कुछ लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं क्योंकि पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है और उस पर लिखा है फ्रीडम अगेंस्ट ऑपरेशन, और उसी चौक में एक के हाथ में स्टॉक दिखाई देता है। उसे यूज किया गया है टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ इराक। और हम आपको बता दें कि ये एक सेट का पार्ट है। अगले सीन में बस में 25 नर्सें दिखाई देती हैं जिन्हें आईसिस अगवा कर लेता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि ये फिल्म रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और ट्रेलर में डायरेक्टर ने भी बताया है कि ये फिल्म ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। उसके आगे के सीन में हमें एक टेररिस्ट का ग्रुप दिखाई देता है। उस सीन को देखा जाए तो असली आईसिस का फ्लैग का कलर ब्लैक होता है लेकिन फिल्म में रेड दिखाया गया है। अगर हम रियल इंसिडेंट की बात करें तो वो लोग नर्सों को किडनैप करके मोसुल में रखते हैं जो कि हम इस ट्रेलर में भी देख सकते हैं इस टीवी एंकर के स्क्रीन पे। उसके आगे के सीन में दिखाया जाता है एक पोस्टर जो कि विलेन का होता है। विलेन का नाम फिल्म में अबू उस्मान है और असल में इनका नाम है सजार डेला फ्रूज, और इससे पहले इन्हें बॉलीवुड फिल्म बेबी में देखा गया है। बेबी फिल्म में इनका रोल एक डॉक्टर का था। ट्रेलर में दिखाई देता है कि वो उन सभी नर्सों को इराक के सिटी हॉस्पिटल इक्रिट में रखते हैं जो एक तरह से विलन का हेडक्वार्टर लगता है। वेल, हम आपको बता दें कि इराक में जो हॉस्पिटल था उसका नाम सिटी हॉस्पिटल टिक्रिट था जिसे बाद में इराकी सेना ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये जो बैकग्राउंड में लोकेशन रखा गया है वो एडिटेड है। अगले सीन में देखते हैं कि इंडिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ठीक ऐसा ही सीन हमने देखा था 2014 में जब नर्सों को अगवा कर लिया गया था। ट्रेलर में इससे इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है और बात हो रही है कि उन टेररिस्ट के हाथों से 25 नर्सों को छुड़ा के लाएगा कौन, तो नाम आता है टाइगर का। वेल, फिल्म एक था टाइगर में हमने देखा था कि वो दोनों कहीं खो गए हैं और उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, लेकिन रॉ की टीम उन्हें कैसे ढूंढती है या फिर इन्हें कैसे कॉन्टेक्ट करके राजी करती है इस मिशन के लिए, अब ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। आगे के सीन में देखते हैं कि जैसे ही टाइगर का नाम आता है वो आइस स्केट के साथ जंप करते हैं। वेल, वो सीन ऑस्ट्रिया का है और ये सीन देख के लगता है कि ट्रिपल एक्स द केस ऑफ एक्सेंडर में वैन डीजल की एंट्री पे देखा था, और सलमान को यहाँ देख के लगता है कि ये किसी मिशन पे आए हैं। उसके आगे अबू धाबी का सीन है और हम सीन में अबू धाबी का एक फ्लैग भी देख सकते हैं। ऑटो में बकरियों के साथ सलमान और एक और एक्टर जो बैठे हैं उनका नाम है कुमुद मिश्रा जो हमें सुल्तान फिल्म में एक ट्रेनर के रोल में दिखे थे। आगे सीन में देखते हैं कि सलमान खान और कुछ लोग ब्लू कलर के कपड़े में हैं और चलते आ रहे हैं। उसमें एक एक्टर दिखाई देते हैं जिसका नाम है अंगद बेदी, और इससे पहले अंगद बेदी उंगली पिंक और डियर जिंदगी में देखे जा चुके हैं, और इस सीन को देख के लग रहा है कि ये लोग प्लान करके हॉस्पिटल में घुसने की सोच रहे हैं। उसके बाद विलन अबू उस्मान का एक झलक देखने को मिलता है और माना जाता है कि इस लुक को लिया गया है आईसिस के चीफ अबू बकर से। उसके आगे सीन में कुछ लोग घुटने में बैठे हैं और उनके पीछे लोग बंदूक लेके खड़े हैं जैसा आईसिस के अधिकतर वीडियो में देखने को मिलता है हमें, और ये सीन उसी से इंस्पायर्ड है। सीन को देख के समझा जा सकता है कि ये लोग घुटने पे जो बैठे हैं वो आर्मी वाले हैं जिन्होंने आईसिस के कुछ लोगों को मार दिया है, और ये लोग पकड़े गए हैं और इनका गला काटा जा रहा है। इन सभी सीन्स के बीच में टाइगर और जोया का एक छोटा सा रोमांस देखने को मिलता है। आगे के सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं सलमान के साथ, और देख के अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बच्चा टाइगर और जोया का ही है। इस सीन में सभी नर्स प्रे कर रही हैं। ट्रेलर में हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है और ये सभी सीन वही हैं जहां आईसिस वाले आर्मी वालों का सर काट रहे हैं। ये सीन देख के लगता है कि फिल्म का एंड है। बस वाले सीन को देख के लग रहा है कि सलमान उन नर्सों को बस में बिठा के कहीं ले जा रहे हैं, और ये ट्रक का सीन देख के लग रहा है कि ये तबका है जब सलमान अबू उस्मान के अंपायर में घुसते हैं। अगले सीन में लॉन्चर चलाना सलमान का वो भी जबरदस्त लग रहा है। ये सीन फिल्म का एंड होगा जहाँ ये लोग सभी नर्सों को लेके दूसरे बॉर्डर पर पहुँच गए होंगे। उसके आगे हम देख सकते हैं कि कुछ नर्सें भाग रही हैं। उसके बाद देखते हैं कि एक नर्स की बॉडी पे बम लगा हुआ है। फिर उसी सीन में टाइगर और विलन का आमना सामना होता है और टाइगर एक धमाकेदार पावरफुल डायलॉग मारते हैं। उसके बाद हमें टाइगर रैम्बो के स्टाइल में बाहर निकलते नजर आते हैं। वेल, हम आपको बता दें कि ये सीन इंस्पायर्ड है हॉलीवुड के सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टालोन से, और ऐसा लगता है कि टाइगर का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है अबू इजराइल से जिसने आईसिस के हजारों सैनिकों को मार गिराया है और उन्हें इराक में रैम्बो कहा जाता है। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो ट्रेलर में देख के लगा। फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा। फिल्म प्रेजेंटेड बाय YRF
डिस्ट्रीब्यूटेड बाई YRF। टाइगर जिंदा मूवी की टिकट और नॉर्मल मूवीज की टिकट में कितने का है डिफरेंस? फिल्म को कितने लोग कह रहे हैं कि हम फिल्म को देखने नहीं जाएंगे? और क्रिसमस का क्या होगा फायदा सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है को? तो आइए डालते हैं एक नजर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। टाइगर जिंदा फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग स्टार्ट हो गई है और भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि टाइगर जिंदा है इस साल की सबसे धमाकेदार फिल्म साबित होने वाली है। इसका अनुमान फिल्म की एडवांस बुकिंग से लगाया जा रहा है। इंडिया में संडे से फिल्म की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और इंडिया के साथ ही इस फिल्म की टिकट बुकिंग और भी कंट्रीज में स्टार्ट हो गई है। माना जा रहा है कि फिल्म की रिलीज के एक महीने बाद भी हाउसफुल रहेगा और ये फिल्म ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत अच्छा बिजनेस करने वाली है। सूत्रों की माने तो सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है अपनी पिछली फिल्म ट्यूबलाइट के कलेक्शन को भी पूरा कर देगी और फिल्म को क्रिसमस रिलीज का फायदा मिलने वाला है। माना जाता है कि ज्यादातर क्रिसमस रिलीज फिल्में सुपर हिट होती हैं और शानदार कलेक्शन करती हैं। क्रिसमस वाले वीक में लोग ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि उस समय ऑफिसेज में छुट्टी होती है, कॉलेजेस में भी छुट्टी होती है और इस वजह से भारी तादाद में लोग सिनेमा हॉल्स में पहुंचते हैं और इस वीक में तो सिर्फ सलमान खान ही हैं और कोई नहीं, तो इसका फायदा भी फिल्म को जरूर मिलेगा। आने वाले फ्राइडे को बहुत से रिकॉर्ड टूटते नजर आएंगे क्योंकि 22 दिसंबर को सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर जिंदा है रिलीज हो रही है। फिल्म की धमाकेदार एंट्री की एक झलक हमें पहले ही देखने को मिल चुकी है ट्रेलर में। फिल्म के रिलीज से पहले ही खबर मिली है कि बहुत से PVR हाउसफुल हो चुके हैं। इस बात की जानकारी तरण आदर्श ने ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि फिल्म की अच्छी शुरुआत हो चुकी है। माना जाता है कि टाइगर जिंदा की एडवांस बुकिंग को धमाकेदार शुरुआत मिली है और कई PVR हफ्तों के लिए हाउसफुल हो चुके हैं। फिल्म की ओपनिंग धमाकेदार होगी और इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म जबरदस्त होने वाली है, जैसे कि हमें ट्रेलर देख के लगा। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि फिल्म कितने स्क्रीन पे रिलीज हो रही है, तो हम आपको बता दें कि टाइगर जिंदा है इंडिया में 4,500 स्क्रीन पे लॉन्च हो रही है। फिल्म अगर इतने सारे स्क्रीन पे लॉन्च हो रही तो मतलब तो साफ है कि भाईजान की मूवी का फर्स्ट डे का कलेक्शन सुपर डुपर होने वाला है। एक सर्वे के हिसाब से पता चला कि इस फिल्म को 100 में से 95 वोट मिले हैं, जहां सलमान खान की एक था टाइगर को 100 में से 27 वोट मिले और पार्टनर को 72, बॉडीगार्ड को 69। तो ये सलमान खान की पहली फिल्म है जिसे लोगों ने ज्यादा पसंद किया है। टाइगर जिंदा है फिल्म की टिकट प्राइस की बात करें तो जहां बाकी सब मूवीज की नॉर्मल टिकट प्राइस 200 से 250 तक होती है, वहीं इस फिल्म की टिकट प्राइस है 400 से 450 तक की और कहीं कहीं तो 1000 से लेकर 1400 तक के प्राइसेस हैं। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर जिंदा है का भी हाल ही में एक नया वीडियो जारी किया गया है। उस वीडियो में कैटरीना को धमाकेदार अंदाज में देखा जा सकता है। डायरेक्टर अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है के रिलीज में अब कुछ ही समय रह गया है। फिल्म के ट्रेलर और गानों को काफी पसंद किया गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का एक और वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें हम सलमान के साथ कैट को भी दुश्मनों के छक्के छुड़ाते देख सकते हैं, जहां एक और सलमान दुश्मनों से लड़ते नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कैटरीना भी उनका साथ दे रही हैं। इस वीडियो की खास बात ये है कि इस वीडियो में कैटरीना के मूव्स काफी खतरनाक लग रहे हैं और इस सीन को देख के लगता है कि दर्शक इस सीन को बार बार देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और हम आपको बता दें कि इस वीडियो को खुद सलमान खान ने शेयर किया था। अभी हाल ही में टाइगर जिंदा है फिल्म का एक न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है, जिंदा है। इस सॉन्ग को गाया है सुखविंदर और रफ्तार ने। एक सूफी सॉन्ग का कॉम्बिनेशन और अरेबिक म्यूजिक रखते हुए रफ्तार ने जो इसमें अपना अंदाज डाला है रैप से, माइंड ब्लोइंग। इस सॉन्ग के वीडियो में फिल्म के और भी बहुत से सीन सामने आए हैं। इस गाने को देख के लगता है कि सलमान खान और उनकी टीम इराक में चुपके से घुस आए हैं और इन लोगों के पास सिर्फ 2 दिन होते हैं उन नर्सों को बचाने के लिए। इस गाने में और भी बहुत से ऐसे सीन हैं जो हमें ट्रेलर में देखने को नहीं मिला था। टाइगर जिंदा है को रिलीज होने में सिर्फ अब 90 आवर्स रह गए हैं। फिल्म की रिलीज डेट है 22 दिसंबर और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा। फिल्म प्रेजेंटेड बाई YRF, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई YRF। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। टाइगर जिंदा है का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इसका ट्रेलर बहुत ही पावरफुल, जबरदस्त और एक्शन से भरपूर है। फिल्म में डबल एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो एक्शन हो या रोमांस या फिर भाईजान के दमदार डायलॉग्स हो। ट्रेलर से पता चल रहा है कि फिल्म की स्टोरी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और स्टोरी है उन 25 नर्सों की जिसे अबू इस्मान ने किडनैप कर लिया था और अब होता यह है कि उन्हें छुड़ाकर लाएगा कौन। तो नाम आता है टाइगर का और उसी के साथ टाइगर यानी कि सलमान खान की जबरदस्त एंट्री होती है। सलमान की एंट्री का लुक और एक्शन, इट्स अमेजिंग। मुझे जहां तक लगता है कि मैंने सलमान खान को इतने इंटेंस लुक में पहले कभी नहीं देखा। ट्रेलर में सलमान ही नहीं बल्कि कैटरीना कैफ भी एक्शन करती नजर आ रही हैं। फिल्म में सलमान खान पहली बार बियर्ड लुक में नजर आएंगे। सलमान ने अपना वेट लूज किया है
तो इसलिए भाईजान पहले से और यंग और स्मार्ट लग रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर जिंदा है का खाड़ी से फिल्म का रिव्यू आया है, तो आइए डालते हैं उस पर एक नजर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। टाइगर जिंदा है फिल्म कल रिलीज हो रही है, लेकिन भाईजान के कुछ लकी फैंस हैं जिन्होंने आज ही ये फिल्म देख ली होगी, और वो फैंस हैं खाड़ी के। खाड़ी में फिल्म रिलीज से पहले ही फिल्म क्रिटिक्स ने टाइगर जिंदा है को रेटिंग्स दे दी हैं, और माना जा रहा है कि फिल्म पैसा वसूल एंटरटेनिंग फिल्म है, मतलब कि दर्शक वो सब देख सकते हैं जो उन्हें पसंद है, जैसे कि भरपूर एक्शन, रोमांस, केमिस्ट्री और सुपर डुपर हिट रियल इंसिडेंट इंस्पायर्ड स्टोरी। और इन सब को मिला के देखा जाए तो कह सकते हैं कि फिल्म में एंटरटेनमेंट का डोज बहुत होगा। फिल्म में जो एक्शन है वो हॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं, लोकेशन भी बहुत अच्छी चूज की गई है, हर जगह बात हो रही है एक्शन की। तो हमने इससे पहले भी टाइगर जिंदा से रिलेटेड बहुत से वीडियोस अपडेट किए हैं, जिसमें टाइगर से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी, और उन वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिए गए हुए लिंक्स पर क्लिक करें। फिल्म का ट्रेलर देख के लगता है कि फिल्म सिर्फ थ्रिलर और रोमांटिक है, फिल्म कई लेवल में हमें एंटरटेन करेगी। और डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने इस फिल्म में एक मैसेज भी रखा है। देखा जाए तो ऐसे बहुत ही कम डायरेक्टर हैं जो सलमान खान से कुछ अलग करवा पाते हैं या कुछ अलग करने की हिम्मत रखते हैं, और अली अब्बास जफर उन डायरेक्टर में से एक है। फिल्म कहीं भी अपने ट्रैक से इधर उधर नहीं जाती। फिल्म में एक्शन काफी खतरनाक है, और ऐसा कि फिल्म में बार बार एक्शन देख के या रोमांस देख के बोर नहीं होना पड़ेगा। फिल्म के सभी किरदारों ने अपना काम बखूबी किया है, और सबसे अच्छा काम किया फिल्म के विलन सजार डेला फ्रूज ने। सजार डेला फ्रूज के बारे में बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। माना जाता है कि फिल्म सलमान खान की है, लेकिन फिर भी कैटरीना को इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिल्म में कैटरीना को एक नए रोल में देखने को मिलेगा, जो उम्मीद है कि दर्शकों को काफी पसंद आएगा। फिल्म में कैटरीना को बहुत कम दिखाया है, लेकिन जितना भी पार्ट है उनका बहुत जबरदस्त है। फिल्म के एक्शन, लोकेशन और सॉन्ग्स फिल्म को और दर्शकों को बांध के रखेगी, और दर्शक बोर फील नहीं करेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि फिल्म सुपर डुपर हिट है, और 2017 में बॉलीवुड को इससे अच्छा एंड नहीं मिल सकता। टाइगर जिंदा है कल देखते ही देखते सारे रिकॉर्ड्स धराशाही कर देगी, और इस फिल्म को 4.5 स्टार मिले हैं। और आप फिल्म को कितने स्टार देते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। टाइगर जिंदा है कैसे करेगी बिजनेस 7,700 करोड़ का? टाइगर जिंदा है ने कितने का बिजनेस किया 29 और 30वें दिन? क्या टाइगर जिंदा है का तीसरा पार्ट आएगा या नहीं? टाइगर के सामने आमिर खान की फिल्म पीके नहीं टिक पाई और पीछे हो गई, जानेंगे कैसे। पीके का हिंदी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने के लिए टाइगर को और कितने का कलेक्शन करना होगा? 2017 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स कौन कौन सी हैं, और वो कौन सी फिल्म है जो नंबर 1 पे है कलेक्शन के मामले में? और बात करेंगे किस एक्टर की कितनी फिल्मों ने 100 करोड़ क्लब को क्रॉस किया है। साथ में ये भी बात करेंगे टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के कुछ ऐसे सीन्स और डायलॉग जो लोगों को ऑडियंस को बहुत पसंद आए थे। और हमारे आने वाले सभी वीडियोस में एक कमेंट सेशन होगा, जहां हम अपने व्यूवर्स के पूछे गए कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के उनके नाम सहित इस वीडियो के एंड में जवाब देंगे। तो आइए चलते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। 2017 साल में बहुत से फिल्म्स आई, और वो सभी फिल्म्स PVR में कलेक्शन के मामले में बढ़ चढ़ के बोली और एक दूसरे को टक्कर दिया, या यूं कहें कि कंपटीशन रखा। पर ऑडियंस और व्यूवर्स को जो सबसे ज्यादा फिल्म्स पसंद आई और जिन फिल्मों ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया वो फिल्म्स हैं गोलमाल अगेन। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 309 करोड़ 45 लाख। रईस 308 करोड़ 88 लाख वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और टाइगर जिंदा है 562 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, और ये सिर्फ 26 दिन तक का ही है। अली अब्बास जफर डायरेक्टेड फिल्म टाइगर जिंदा है को दर्शकों को काफी प्यार मिल रहा है, और फिल्म को 30 दिन हो गए हैं, लेकिन फिल्म अभी भी बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर की कंट्रीज में भी सलमान खान का ये नया अंदाज काफी लोगों को पसंद आया, और इस जोड़ी को, मतलब कि सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया है। इस फिल्म ने 29वें दिन बिजनेस किया था 78 लाख का, और 30वें दिन 1 करोड़ 27 लाख का। इस फिल्म का अब तक का टोटल होता है इंडिया में 331 करोड़ 80 लाख, और फिल्म का 26 दिन तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 562 करोड़। और जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। बाहुबली द कंक्लूजन, इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 1 करोड़ 56 लाख का 29वें दिन, और 30वें दिन 2 करोड़ 25 लाख का, और इस फिल्म का 30 दिन तक का टोटल होता है 490 करोड़ 21 लाख।
और बाहुबली का बेस्ट सीन जो लोगों को बहुत अच्छा लगा था, पसंद आया था, जब देवसेना के यहाँ महल में आक्रमण होता है और बाहुबली और देवसेना युद्ध जीत जाते हैं, मगर देवसेना को बाहुबली की सच्चाई का पता चल जाता है कि वो एक योद्धा है और देवसेना के बार बार पूछने के बावजूद बाहुबली नहीं बताती, वो टालते हैं। और फिर कटप्पा बाहुबली के बारे में बताता है, माहेशमती के होने वाले सम्राज राजमाता शिवगामनी के प्रिय पुत्र, भयभीत था संसार जिसके उसके काल के संहारक वीरों के वीर अमरेंद्र बाहुबली। उसके बाद सभी तलवार नीचे गिरती हैं और सभी झुक जाते हैं। वो सीन एक एपिक सीन था, माइंड ब्लोइंग सीन था, और इस सीन पे पीवीआर सीटियों और तालियों से गूंज गया था। गोलमाल अगेन इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 29वें दिन 60 लाख का और 30वें दिन 40 लाख का, और इस फिल्म का 30 दिन तक का टोटल होता है 204 करोड़ 36 लाख। दंगल इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 29वें दिन 1 करोड़ 19 लाख का, 30वें दिन 2 करोड़ 10 लाख का, और इस फिल्म का 30 दिन तक का टोटल होता है 386 करोड़ 39 लाख। इस फिल्म का एपिक सीन जहां आमिर खान अपने ऑफिस में टीवी पर रेसलिंग देख रहे होते हैं और उनके बगल में कोई आगे खड़ा होता है और आमिर खान कहते हैं कि ना पैसे ना फैसिलिटी, किस तरह जीतेंगे मेडल अपने छोरे, सिर्फ मुंह चलाने से कुश्ती जीती जाती ना भाई साहब, तो आप तो कब के मेडल जीत चुके होते, नया है के तब भी मैं सोचूं, कभी अखाड़े में उतर के देख, लंगोट से पहले हवा टाइट हो जाती है, आपके लगता है कई बार हुई है भाई साहब हवा टाइट, अखाड़ा होता ना तेरी कर देता, अखाड़े की क्या जरूरत है। फिर दूसरी तरफ कमेंट्री हो रही होती है टीवी पर और दूसरी तरफ इधर ऑफिस में कुश्ती हो रही होती है। 3 राउंड हारने के बाद कहते हैं, दम है तेरे में, स्टेट लेवल चैंपियन को हराया तूने, रे दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से हारा है तू, वाह क्या बात है, इंटरेस्टिंग। तो ये वो एपिक सीन था जो लोगों को बहुत पसंद आया था। तो बात करते हैं रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक बाहुबली द कंक्लूजन नंबर 1 पे है, दंगल नंबर 2 पे और टाइगर जिंदा है नंबर 3 पे है। अब सवाल आता है कि किस एक्टर की सबसे ज्यादा फिल्मों ने 100 करोड़ के क्लब को क्रॉस किया है, तो नाम आता है सबके चहेते भाईजान यानी कि सलमान खान। सलमान खान की 12 फिल्मों ने 100 करोड़ के क्लब को क्रॉस किया है, तो नंबर 1 पे है सलमान खान, नंबर 2 पे है अक्षय कुमार, खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की 8 फिल्म है और अजय देवगन की 6 फिल्म। बात करते हैं कि कैसे फिल्म 7700 करोड़ का बिजनेस करेगी, उससे पहले जानते हैं कि मूवी का वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसे ऐड किया जाता है। या तो उसमें इंक्लूड होता है फिल्म्स के थिएटर राइट, मतलब कि जिस जिस कंट्रीज में फिल्म्स रिलीज होती हैं, वो सभी कंट्रीज फिल्म के थिएटर राइट्स खरीदती है, जैसे यूएसए राइट, साउदर्न स्टेट राइट्स, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएसए हिंदी वर्जन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थिएटर राइट्स के बाद आता है म्यूजिक इन ऑल वर्जन, फिर सैटेलाइट राइट्स, यूट्यूब व्यूज, अब यूट्यूब में भी ट्रेलर व्यूज, टीजर व्यूज, फिल्म मेकिंग वीडियो व्यूज, फिर आता है फिल्म्स मीडिया पार्टनर्स, एडवर्टाइज कलेक्शन और भी बहुत से डील्स होते हैं। प्लस जैसा कि हम कह रहे हैं कि फिल्म अभी कुछ देशों में रिलीज नहीं हुई है, जैसे कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तो जब ये फिल्म इन देशों में रिलीज होगी तो जरूर ये फिल्म 7700 जितना बिजनेस करेगी। और आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है, सुनने में आया कि शायद ये फिल्म चाइना में बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट फिल्म को लेकर जैसे खलबली मची है चाइना में, उसे देखकर कह सकते हैं कि फिल्म शायद बहुत जल्द ही रिलीज होने वाली है और बहुत अच्छे स्क्रीन पर रिलीज होगी, 6000 और 7000 के बीच रिलीज हो सकती है ये फिल्म। और अगर ये फिल्म इतनी सारी स्क्रीन पर रिलीज होगी तो इस फिल्म को शायद 7700 करोड़ या इससे भी अधिक बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि इस वीडियो के एंड में कमेंट सेशन है जहां लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे, तो सबसे पहले कमेंट है हर्षित प्रजापति का कि ट्यूबलाइट का चाइना लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है। तो दोस्त हम आपको बता दें कि हमारे सूत्रों से पहले पता चला था कि ये फिल्म ट्यूबलाइट चाइना में रिलीज होने वाली थी, पर अभी रिसर्च करने के बाद पता चला है कि फिल्म रिलीज नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ एवरेज कलेक्शन। तो दोस्त इस फिल्म का चाइना में कोई कलेक्शन नहीं है। सूरजीत ने पूछा था भाई क्या सुल्तान चाइना में रिलीज हुआ था, तो दोस्त ऑफिशियल अनाउंस हो चुका है कि यह फिल्म चाइना में रिलीज होगी। और एक और सबसे बड़ी न्यूज, इस फिल्म के साथ सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान भी चाइना में रिलीज होने वाली है और ये दोनों फिल्म साल 2018 में रिलीज होंगी। SRK की वाइंस गोयल ने पूछा था कि क्या फिल्म टाइगर पीके को पीछे छोड़ देगी, तो दोस्त बता दूं कि टाइगर के 28वें दिन के कलेक्शन ने पीके का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टाइगर का 28वें दिन का कलेक्शन था 78 लाख और पीके का 57 लाख, तो टाइगर ने पीके को पीछे कर दिया है। और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस की बात करें तो पीके का है 340 करोड़ 80 लाख और अभी टाइगर जिंदा है का है 331 करोड़ 80 लाख।
तो दोस्त हमें जहां लगता है कि ये फिल्म आराम से पीके का रिकॉर्ड तोड़ देगी और सिर्फ 9 करोड़ और चाहिए टाइगर को पीके का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। सातार आलम ने पूछा था कि सुल्तान और बजरंगी भाईजान कब रिलीज होगी। दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ये दोनों फिल्म चाइना में 2018 में रिलीज होंगी। बजरंगी भाईजान मार्च में रिलीज हो रही है और हालांकि सुल्तान का अभी नहीं पता चला, लेकिन बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। मर्शद भट्टो ने पूछा था कि धूम 4 में सलमान खान है। वैसे देखा जाए तो यूट्यूब पे डेली फेक वीडियोस डलते हैं कि सलमान खान धूम 4 और बस एक फोटो लगा देते हैं फ्रंट पे और लोग उसे देखते हैं और उस वीडियोस में सलमान खान की मिक्स्ड मूवीज की क्लिप्स होती हैं जो कि एडिटेड होती हैं। तो ये सवाल उठना तो बनता ही है। दोस्त ये तो अभी नहीं पता, लेकिन हम आपको बता दें कि ट्वीट पे सलमान खान के फैंस ने टाइगर की बधाई देते हुए अली अब्बास जफर को सजेस्ट किया कि सलमान खान को धूम 4 लेके बनाया जाए, हम उनको धूम 4 में देखना चाहते हैं। तो अली ने रिप्लाई किया कि मैं धूम के मेकर्स तक आपका ये मैसेज पहुंचा दूंगा कि धूम 4 सलमान खान को लेके बनाए। लेकिन दोस्त अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन हाँ इतना पता है कि फिल्म में आमिर खान और ऋतिक रोशन नहीं है। सचिन खुजरिया वो कहते हैं कि सुल्तान का डायलॉग भी बता देना प्लीज, और बजरंगी भाईजान का भी और दंगल का भी। तो दोस्त दंगल का तो ऊपर मिल ही गया होगा आपको। रही फिल्म सुल्तान और बजरंगी भाईजान का, तो मैं सुल्तान का वो एपिक सीन बताना चाहूंगा जो लोगों को बहुत अच्छा लगा था और जहां लोग बहुत ही इमोशनल हुए थे। सलमान खान दिल्ली जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, पर रणदीप हुड्डा उनका मजाक उड़ाते हैं और बहुत ही भला बुरा बोलते हैं और सलमान खान रिप्लाई करते हैं, मैंने पहलवानी जरूर छोड़ी है पर लंडा नहीं भूला। क्या कह रहे अंग्रेजी में, अलाइव एंड किक, ठीक है। बहुत खूब। सोनू हेला का कमेंट आया था, क्या पार्ट 3 आएगा। तो दोस्त india.com की रिपोर्ट्स की माने तो हाँ, टाइगर जिंदा है फिल्म का तीसरा पार्ट आ सकता है और उस रिपोर्ट की माने तो तीसरे पार्ट पर काम भी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय दे और फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए कमेंट करें। नीचे कमेंट बॉक्स है, उसका पूरा इस्तेमाल करें और सवाल पूछें। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं अपने आने वाली वीडियोस में रिप्लाई करने की। बॉलीवुड का भाईजान यानी सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है की दहाड़ बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कायम है। टाइगर जिंदा है 22 दिसंबर 2017 में रिलीज हुई थी और तब से अभी तक कलेक्शन के मामले में ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। टाइगर जिंदा है की कमाई का सिलसिला अभी तक जारी है। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने अपने 43वें दिन में भी 15 लाख का कलेक्शन किया है और टाइगर जिंदा है का अभी तक का टोटल कलेक्शन 338.34 करोड़ हो चुका है। IMDB के अनुसार इस फिल्म से ऊपर आमिर खान की पीके है, जिसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 340 करोड़ का कलेक्शन किया था। हालांकि अब टाइगर के लिए पीके का रिकॉर्ड तोड़ पाना मुश्किल लग रहा है, पर कमाई अभी भी जारी है तो शायद सलमान खान की टाइगर जिंदा है आमिर खान की पीके के कलेक्शन के और करीब जा सकती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन दीवान और स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। देखा जाए तो 300 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली सबसे ज्यादा फिल्में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की है, जैसे बजरंगी भाईजान, सुल्तान और टाइगर जिंदा है। जबकि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात की जाए तो इनमें आमिर खान की 2 फिल्म्स हैं, जिनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को अभी तक कोई छू भी नहीं पाया है। तो अब बात करते हैं टाइगर जिंदा है के पर वीक कलेक्शन की। टाइगर जिंदा है ने अपने पहले वीक में 206.4 करोड़ की कमाई की थी और अपने दूसरे वीक में 85.51 करोड़ की और अपने तीसरे वीक में 27.31 करोड़ की कमाई की और चौथे वीक में 10.79 करोड़ की कमाई की और अपने पांचवें वीक में 5.81 करोड़ की और छठे वीक में 2.63 करोड़ की। तो इसका अभी तक का टोटल कलेक्शन हुआ 338.19 करोड़। टाइगर जिंदा है पीके का रिकॉर्ड तोड़ पाए ये तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि लास्ट वीक भी टाइगर जिंदा है ने केवल 2.63 करोड़ का कलेक्शन किया। पर जैसा कि अभी भी कमाई जारी है तो शायद पीके के 340 करोड़ की बराबरी कर सकती है। अब बात करते हैं फिल्म पद्मावत के कलेक्शन के बारे में। पद्मावत लंबे समय से चल रहे विवादों को पार कर आखिरकार रिलीज हो ही गई और इस मूवी ने विवादों और विरोधों के बाद भी काफी अच्छा कलेक्शन किया है। पद्मावत ने अपने प्री रिलीज यानी 24 जनवरी पर 5 करोड़ का कलेक्शन किया और अपनी ऑफिशियल रिलीज डेट यानी कि 25 जनवरी के दिन 19 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म के सेकेंड डे यानी 26 जनवरी की छुट्टी की वजह से फिल्म के कलेक्शन में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। देखा जाए तो फिल्म के मॉर्निंग के शोज की ऑक्यूपेंसी थी 90% और रात के शोज की थी 100% ऑक्यूपेंसी। सेकेंड डे सारे शोज हाउसफुल थे। फिल्म ने सेकेंड डे पर भी 28 करोड़ का कलेक्शन किया था। पद्मावत ने अपने तीसरे दिन यानी 27 जनवरी को 24 करोड़ का बिजनेस किया, 28 जनवरी को 32 करोड़ का और अपने पांचवें दिन यानी 29 जनवरी को 15 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं फिल्म के छठे दिन यानी 30 जनवरी को ये अनुमान लगाया गया था कि वो 12 से 15 करोड़ तक की कमाई करेगी और फिल्म ने अपने सातवें दिन यानी 31 जनवरी को कुल 12 करोड़ का बिजनेस किया।
ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श के अनुसार फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 167.50 करोड़ का कलेक्शन किया और दूसरे हफ्ते में टोटल 46 करोड़ का कलेक्शन किया। तो अभी तक पद्मावती का टोटल कलेक्शन है 212.50 करोड़। टाइगर जिंदा है ने अपने फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में टोटल 286.46 करोड़ का कलेक्शन किया था और पद्मावत ने अभी तक अपने फर्स्ट एंड सेकेंड वीक के कलेक्शन को मिलाकर 212.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। कलेक्शन के मामले में देखा जाए तो पद्मावत टाइगर जिंदा है सब पीछे रह गई। अभी पद्मावत का कलेक्शन जारी है तो देखते हैं क्या आगे पद्मावत टाइगर जिंदा है के कलेक्शन को बीट कर पाती है या उसके आसपास भी आ पाती है या नहीं। तो ये था दोस्तों टाइगर जिंदा है और पद्मावत का अभी तक का कलेक्शन। अभी तक कलेक्शन के मामले में पद्मावत टाइगर जिंदा है सब पीछे चल रही है, पर अब आगे आप सबको क्या लगता है, क्या पद्मावत टाइगर जिंदा है के कलेक्शन तक पहुंच पाएगी या उसके कलेक्शन को बीट कर पाएगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो कल हमारी वीडियो पे काफी कमेंट।